वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का आज की शानदार ट्रेनिंग मीटिंग में आपका सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो 8 दिनों से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, उस घड़ी में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत जरूरी था। बहुत सारे जो लोगों के सवाल थे जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो हम जो है आज के, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो जिस घड़ी की हम लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 8 दिनों से, वो घड़ी में हम लोग आ पहुंचे हैं। प्लीज, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने नामों से यहाँ पर आए, अदरवाइज हमें मीटिंग से आपको वेटिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स इज रूल्स, सबके लिए रूल्स तरीका है। यहाँ पे हम लोग वन बाय वन सभी लोगों के सवाल क्लियर करेंगे। जितने भी मीटिंग में हैं, आज सभी लोगों के सवाल वन बाय वन क्लियर करेंगे, इसलिए आपका नाम होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब आपको अनम्यूट किया जाएगा, तो आपको, आप किसके माध्यम से आए हैं, कब आपका एडमिशन हुआ है और आपको क्या टारगेट है, ये आपको बताना है। साथ में आपको ये बताना है कि आपकी समस्या क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में हम लोग वन बाय वन सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे या सभी लोगों से डिस्कशन करते जाएंगे। मीटिंग में जब भी डिस्कशन हो, तो प्लीज मीटिंग में कोई भी हैंड राइज ना करें। अगर आपको कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? तो पहला तो आप अपने नामों से आए। थैंक यू। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एक नाम मुझे दिख रहा है, रेट मी, उनका स्पीकर बंद है। नवी मुंबई, प्लीज सर, आपका नाम यहाँ पे, आप एडिट में जाके आपका नाम यहाँ पे शो करें, नवी मुंबई। प्लीज नवी मुंबई करके यहाँ पे नाम शो हो रहा है, प्लीज आपका नाम यहाँ पे एडिट करें।
सॉरी दोस्तों, जिनके जिनके नाम शो नहीं हो रहे थे वो वेटिंग में चले गए हैं। ओके तो दोस्तों, कि जैसे कि हमें पता है कि आज का जो मीटिंग है, आज का जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में सभी लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। प्लीज आप सभी लोग पेन और पेपर लेके, आपका डायरी और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें नोट करने पड़ सकते हैं जो हम लोग भूल ना जाए। इसलिए आपको डायरी और पेन लेके आप यहाँ पे बैठना है। तो आज का जो ट्रेनिंग हमने जिस प्रकार जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, सबसे पहला जिनके जिनके जो जो सवाल रहेंगे वो आप हम लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में वन बाय वन उसको क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इनवाइट करता हूँ याचिन सर को। वेलकम याचिन सर। याचिन सर, आप आए और ट्रेनिंग का आगे का जो कारवा आप संभाले। वेलकम सर, वेलकम याचिन सर। नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? एकदम क्लियर आ रही सर। यस सर। 48 मेंबर्स जुड़े हैं लाइव मीटिंग के अंदर, अपना टाइम निकाल के आए हैं कुछ सीखने के लिए, तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज बूम जैक की जो प्लानिंग किस तरीके से काम करने वाली है वो हम बताएंगे। जो जो टॉपिक्स मैंने मैसेज के अंदर डाला है, टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजी, राइट एंट्री एग्जिट, ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी एंड एसएल जनरेट स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस जनरेट कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीजें वन बाय वन होगी। सबसे पहले ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी लोगों ने अपना टाइम निकाला है, इसलिए थैंक यू कहूंगा, क्योंकि कुछ नई चीजें हमें सीखनी है यहाँ पे। तो हम भी बहुत सारी चीजें बातें करनी है जो हमारे ऑलरेडी हमारे बूम जैक से जुड़े हैं, कि क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वन बाय वन जो भी है, स्टेप बाय स्टेप हमारे जो जुड़े हुए, मतलब प्रॉब्लम्स और सॉल्व, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम है इसीलिए तो हमें करना है, बराबर है। सारी दुनिया, बाहर की दुनिया में यहाँ वहां पब्लिक भाग रही है, किस लिए भाग रही है? पैसे, अपने सपने, अपने जरूरतें, अपने जिम्मेदारियों के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं। तो आज के डेट में ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर
हम हमारे सपनों को लेके किसी न किसी के माध्यम से तो एंट्री कर लेते हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें आने के बाद भी बंदा उठता है, सपनों को सजाता है, वापस उस चीज में मेहनत करता है, वापस ठोकर खाता है, ओके, तो वापस उठता है। तो ये सारी चीजें जिंदगी के आखिरी दम तक होती रहेगी। तो मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, एंड में मैं वो रिलीज करूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि सभी स्टूडेंट से कि आप लोग कितने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट, आपका सीनियर कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका सीनियर कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किन शख्सियत के वजह से आप इस भूमजाग से जुड़े हैं, आपका जो भी रेशियो रहा है, जो भी ट्रेडिंग का, वो आपको बताना है, जो भी है प्रॉफिट या लॉस, और अभी आप कितनी अमाउंट लेके ट्रेड कर रहे हो और कितने प्रॉफिट बनाने की मंशा रख के इस सपनों की दुनिया में आप मेहनत कर रहे हो, सोच रहे हो। तो ये वन बाय वन गुरुजी बताएंगे, एक-एक शख्स को बोलना है, और एक बंदे का एक सवाल, एक बंदे का एक सवाल आपको करना है। वो सारे सवाल नाम के साथ यहाँ नोट किए जाएंगे और एंड में वो सारे सवाल के जवाब दिए जाएंगे। तो हम सभी यहाँ पे, पहली बात है कि हमें अपने सक्सेस के लिए मेहनत करना है, अपने सपनों के लिए हम यहाँ पे सब जुड़े हैं। तो खुलकर आप सभी लोग बात करें, खुलकर आपके जो भी दिक्कतें हैं, आपके जो भी मंशा रखे हैं, जो आपने उम्मीद रखी है ट्रेडिंग की दुनिया में, भले वो किसी भी मार्केट से जुड़ा हुआ हो या उससे हमें मतलब नहीं है। अगर कोई बंदा हमसे जुड़ा है तो उसके सारी पूरी पूरी करने का हमारी ये कोशिश है, और हमें आखिर में क्या करना चाहिए ये हमारा मकसद है। तो वन बाय वन गुरुजी, आप वन बाय वन एक एक शख्स का आप अनम्यूट करिए और वन बाय वन सारे डिटेल्स ले लीजिए, ताकि हमें आसानी हो कि हम किस किस माध्यम से, किस किस तरीके से। क्योंकि पहली बात तो इस मीटिंग के अंदर मैंने पहले ही मैसेज डाला हूं कि जो ज्वाइंट हस्ती है उनको ही बुलाना है, नए लोग आए हैं नो प्रॉब्लम, आप लोग अगर कोई गलती से भी आया हो या नया एडमिशन लेके आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, उनका प्लान प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग अगले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों और कैसे, अगर हमारा क्यों है, हमारा क्यों क्लियर है, तो कैसे वो हमारे पे छोड़ दो। आप लोग अब तक क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, और किस प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग की दुनिया में अपने सपनों को सजाए टिके हुए हैं, ये आपको वन बाय वन बताना है। तो गुरुजी आप थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए सर। यस सर। थैंक यू वैशिन सर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नाम लूंगा। पहला नाम यहाँ पे मेरे सामने शो हो रहा है, अब्दुल हुसैन शेख सर का, मुंबई। सर मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। आपका जो भी डाउट्स रहेगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आता रहेगा, आप यहाँ पे बताइएगा। जी सर, गुड इवनिंग सभी को सर। वेरी गुड इवनिंग। सर बूमजैक के रिगार्डिंग सर एक सवाल ये पूछने का था, जैसे बूमजैक 9 है अपना इंडिकेटर जो अपना काम करता है बराबर, तो कुछ टाइम फ्रेम में अगर हम यूज करते हैं उसको, जैसे 5 मिनट में यूज करते हैं तो जैसे सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है, जैसे अभी 2 दिन पहले फ्राइडे का मार्केट का जो सिग्नल बताया बाय का पूरा बराबर 1975 तक, तो वो जो परफेक्टली उसका टाइम क्या ये मतलब जैसे मार्केट ऑफ रहती है बराबर, तो वो क्या तो भी वो अपना टीपी SLTP के सिग्नल को दिखाता है, शो करता है, या हिट होने के बाद वो चालू होना चालू होता है, ऐसा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन ओके मैं से कुछ ओके चलिए, कंफ्यूजन इसके ऊपर अपन लोग, आपका दूसरा सवाल बोलिए आप। हूँ। दूसरा सवाल बस कुछ खास नहीं है सर, इससे इतना ही है कि मतलब सॉरी मेरे को सॉरी जल्दी मैं कुछ। डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक बंदा एक ही सवाल पूछे, क्योंकि सभी को मौका देना है, टाइम की किल्लत यस है, यस एक बंदा एक ही सवाल पूछे। अगर किसी बंदे का सवाल पहले वाले बंदे से सवाल जुड़ा हुआ है तो वो सवाल ना पूछे, कहाँ रहते, आपके सीनियर कौन है, कब कितने आपका ट्रेडिंग रेशियो क्या हुआ है, कितना प्रॉफिट किए हैं, कितना लॉस किए हैं, और आप कितना अमाउंट लेके आगे क्या उम्मीद लेके ट्रेडिंग की दुनिया में टिके हुए, ये आपको बताना है।
ओके सर, ओके सर। देखिए अभी तक जो बूमजैक को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं फंस जा रहे हैं हम। तो मैं सर जैसा कि अपना क्या बोलते हैं, एक दो पॉइंट इसमें क्लियर ये करने हैं। बूमजैक 9A का मैंने पूछा, और अपना इंडिकेटर के बारे में सर, तो कोशिश कीजिए सर एक दो पॉइंट ऐसा बताइए सर जो हम वो वही फॉर्मूला यूज़ करें सर 100% पूरा काम हो जाए, मतलब वो 100% अपना स्ट्रेटेजी काम होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपके हिसाब से सर वो जरा हम लोग गाइडलाइंस दीजिएगा सर। और बाकी तो कुछ नहीं सर, एंड तक देखते हैं, क्वेश्चन आंसर आता रहेगा तो क्लियर होता रहेगा, ऐसा कुछ लगेगा तो दोबारा हैंडल्स करूंगा मैं। ठीक ओके सर, आपकी है अपलाइन कौन है? यहाँ पे सर, आपको किसी सुनील ने? सुनील पटेल मुंबई। थैंक ओके, सुनील पटेल जी। ओके, थैंक यू अब्दुल जी। यू सर। अब्दुल सलाम। और सेकंड यहाँ पे नाम शो रहा है अब्दुल सलाम सर का। अब्दुल सलाम सर, आप आए और आप किसके माध्यम से यहाँ पर आए हैं और कहाँ से हैं आप? यस, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट का। अब्दुल सलाम सर, ओके, कोई बात नहीं। अब्दुल सलाम सर, शायद अब्दुल सलाम सर, ठीक है। हम लोग तीसरे लीडर को लेते हैं, अमित सर। अमित जी करके हैं, अमित, केवल अमित जी लिखा है। अमित जी, यस अमित जी सर, अब आए, अमित जी अब आए, पूरा नमस्ते नाम सर, बताइए अमित और किसके माध्यम से आप यहाँ पे जाधव। आए हैं और आपका सवाल क्या है? नमस्ते सर, आवाज आ रहा है? नमस्ते नमस्ते सर। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं नवी मुंबई से हूँ। और मेरा अपलाइन जो है, एक मैडम है, माता जी नाम उनका, क्योंकि मैं ऐसे दादर में गया था एक दूसरे काम के लिए, तो दादर में ऐसे सज्जन बैठे थे टेबल पे, अच्छा, मॉडल आपका में। ज्वाइनिंग हुआ सर? हाँ जॉइनिंग है मेरा, बहुत पहले का ही है। तो मैंने उन्होंने मुझे मैं ऐसे ही परिचय हो गया था उधर, सर सुनिए ना, तो शॉर्ट मैंने, में बताइए ना, उनका नाम बताइए हाँ केवल और आपका नाम नहीं सवाल पता पूछ। सर, क्योंकि पहचान के नहीं है वो, वही मैं बता रहा हूँ, पहचान के नहीं है। ऐसे ही दूसरे काम के लिए गया था, तो होटल में सब जन बैठे थे, तो मैं भी जाके उधर बैठ गया। तो मैं पूछा कि क्या है करके, तो बोले कि सर ऐसे आपका सर आने एडमिशन वाले हुआ है ना? हैं। ओके हाँ हाँ सर, एडमिशन हो गया, okay. एडमिशन हो गया सर। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब करना यस, चाहूंगा, यासीन मैं सर को पता है शाहरुख हाँ खान, शाहरुख या खान। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब करना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरा जो सवाल है, वापस एक बार सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोग बूमचा ज्वाइन करने से पहले ट्रेडिंग की दुनिया में कब आए। ओके, आपका जो भी रेशो रहा, ओके, क्या रेशो रहा किस मार्केट का, वो शॉर्ट में बताना है। आपके सीनियर कौन है जो बूमजैक से जुड़े हैं, और आप कितना अमाउंट लेके अभी ट्रेड कर रहे हैं, और कितने प्रॉफिट बनाने की मंशा में है बूमजैक के अंदर। मतलब बूमजैक में जी एडमिशन लेने से पहले आप किसके माध्यम से ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं, बूमजैक के माध्यम में आने के बाद आपने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, कौन सी ऐसी चीजों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। ओके सर, अच्छा, वैसे तो मैं 2016 में ट्रेडिंग की दुनिया में आया हूँ, और मुझे ये बात मेरे बड़े बहन ने बताया थी 2016 में। उसके बाद मैंने बहुत सारा वहां पर प्रॉफिट भी किया, एक सर थे उनसे सीखा मैंने, और मुझे बेस्ट ट्रेडर का अवार्ड भी मिला था। लॉस बहुत, मतलब नहीं के बराबर ही था मेरा उस टाइम। तो बाद में लॉकडाउन के समय मैंने पूरा बंद कर दिया, क्योंकि मार्जिन कुछ पूरा बंद कर दिया था सेबी ने। बाद में मुझे सर मिले, अभी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सर मिले, तो मुझे ये जो सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त लगा, ये सॉफ्टवेयर लेके मैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ अभी। और क्या हो रहा है कि मुझे ट्रेडिंग करने को टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी मैंने एक $100 डिपॉजिट किए थे बीच में, तो थोड़ा $50 है अभी उससे, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, कि ये अलग जी लेवल पे काम कर रहा हूँ मैं घूमजा को लेके। जी
ये काम चल रहा है सर। बाकी सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जबरदस्त चल रहा है सर, अपडेट कर ही रहे हैं हर बार घूम जाकर को। ओके ओके, कोई बात नहीं, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो बाद में आप ठीक है, हैंडल कर हैरेस का सकते होगा। हैं। ओके, जी थैंक यू सर, सर, थैंक यू अमित जी। ओके। अंशुमन बासुली, यस अंशुमन बासुली सर, अंशुमन बासुली सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस 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 सर, मैं तो अभी तो बोमजेक जो सॉफ्टवेयर है मैं देख रहा हूँ, 3 4 दिन। इसका जो पैटर्न है, इसका कैसे एंट्री लेना है, कैसे सब प्रॉब्लम लेना है, मैं M2 5 जो डेमो अकाउंट है उसको मैं एक बार देख रहा हूँ। अच्छा आपको मैं क्या उसको समस्या क्या आ रही है, वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है? थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसका जो एंट्री पॉइंट है उसका जो सॉफ्टवेयर अब लॉन्ग देता है लेकिन बाद में वो उठा लेता है, इस तरह मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, ठीक है सर, आपका सवाल नोट कर लिया है। अशोक सर, अशोक शाह, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है कल से, कल मैंने अपनी एंट्री डाली है और ये मेरे आपके अपलाइन अपलाइन सर? अपलाइन सर राजनाथ सिंह जी हैं दिल्ली से। हाँ ओके यस सर, जी, तो अभी जस्ट ज्वाइन किया है मैंने, अभी देख रहा हूँ जो जो प्रॉब्लम आएगी फिर मैं बाद में पूछ लूँगा सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। आशिफ सर, वेलकम आशिफ सर, प्लीज आप कहाँ से और आपके अपलाइन कौन है, अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो। केवल आशिफ सर करके है, चलिए कोई बात नहीं, अगर हैंड रेस करेंगे तो हम लोग उनको। चेतन रावत जी मुंबई से, चेतन रावत जी, चेतन रावत जी, चेतन चलिए कोई बात नहीं, चेतन रावत जी मैं आपको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट का। हेलो हेलो, यस यस सर, हाँ हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड हेलो, इवनिंग सर। हाँ सर, मैं न्यू हूँ। सर हेलो, आपका आवाज आ रहा है, आपने शायद डबल माइक ये कर दिया है। हाँ एक सेकेंड ना। हाँ सर, अभी आ रहा है बस। आपका आवाज आ रहा हेलो, है। न्यू जॉइनिंग यू। मेरा सवाल तो कुछ नहीं है, मेरा अपलाइन सुनील पटेल। ओके हेलो, ओके, ओके, जस्ट मैंने ठीक अभी है सर, जॉइन अगर किया है। आपका ओके कुछ सवाल होगा तो आप बीच में हैंड रेज कर दीजिएगा। थैंक सर, ओके, थैंक यू। यू सर, थैंक यू सर, म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। दीक्षा दुबे जी, सॉरी दीक्षा जी, दीक्षा दुबे जी, यस वेलकम वेलकम सर, मैम। मेरे फ्रेंड जनार्दन सावंत हैं और मुंबई से हम ट्रेडिंग ही करते हो। यासिन ओके सर यस, काफी अच्छे से जानते हैं, सीनियर मैक्स उनके साथ काम किया है मैंने। बस सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ मैं, सिस्टम को कर रही हूँ, अपडेट भी किया है मैंने। बस प्रॉपर वे पे, जैसा अपना है ना 30 डेट कंप्लीट करना,
तो बस उसका ही प्लान करना है, कैसे करना है वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो वहां से प्रॉपर अच्छे से करेंगे, उसी का वेट है बस। ओके ओके, अगर आपका कोई सवाल होगा तो बीच में आप हैंड रेस कर दीजिएगा, जब हैंड रेस क्वेश्चन के लिए कुछ हम लोग नहीं है बोलेंगे। क्योंकि नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है बिकॉज ऑफ मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे मैंने सिस्टम को भी जाना है, इंडिकेटर को भी समझा है, तो जो भी है तो अच्छा है। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आप जो थैंक भी यू आज ट्रेनिंग में सीखेंगे वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। यस या विल वेरी गुड। यस यासीन सर। सागर सर, नैनोबा सागर सर, वेलकम नैनोबा सागर सर। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर जी। हाँ मेरे से सीनियर सर है और राजगुरु सर। जी। हाँ तो करीबन 8 से 10 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जी। और अभी जस्ट सर की वजह से ये प्लेटफॉर्म मालूम हो गया है। जी सर जी सर। हाँ तो अभी कम से कम $100 से लेके स्टार्टिंग करने का सोच रहे हैं, और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा, पूरी जानकारी भी 2 मीटिंग में अटेंड कर लिया हूँ, तो जरूर बहुत हम एक ना बढ़िया। एक दिन वो $52,000 का जो टारगेट है वो श्योर अचीव करेंगे, क्योंकि मैं हर दिन देखा ये 8-10 दिन के पहले तो 10 पॉइंट 12 पॉइंट 10 पॉइंट 12 पर डे निकल रहे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलेगा जरा, खाली वो पेशेंस वो थोड़ा सा मालूम नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ एंट्री करना है और कहाँ एग्जिट लेना है, ये थोड़ा सा दिक्कत ही आ रही है, दूसरी कुछ नहीं, ओके, कहाँ एग्जिट बाकी करना सब है और कहाँ एंट्री लेनी है। एंट्री लेना है। हाँ, बाकी सब बढ़िया है, थोड़ा बहुत पुराना नॉलेज है, लेकिन सर का जो नया एक्सपीरियंस है और नया इंडिकेटर का जो उन्होंने बनाया हुआ चीज है वो बहुत बढ़िया है, एक डायमंड है अपने लिए। यस यस यस, चलिए चलेगा, सर, थैंक थैंक यू। यू क्लियर सर, थैंक करेंगे यू सर। इसको, आपके सवाल को भी क्लियर करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। जितेंद्र, जितेंद्र सर, जितेंद्र भंडारी सर, हाँ, मेरा नाम जितेंद्र भांगरे है। जी। मैं कल रात को 11 बजे ज्वाइन हुआ हूँ। यासिन सर ने ज्वाइन कर दिया मुझे, मतलब वो मेरे को ये दिया, और मेरा जो सीनियर है वो रविंद्र कस्बे है, चेंबूर से। ठीक ओके है, अभी तो मैं सीखना चाहता हूँ जो भी है वो। जी ठीक जी है, जी जी यस सर, वेलकम। आप जो है, जो भी डिस्कशन होगा, जो भी ट्रेनिंग होगी, आप अपने यस डायरी पर नोट कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी आगे सीखने के लिए। यस दोस्तों, जिनका भी नया सर, नया जी सर जिनका भी नया नया एडमिशन अच्छा हुआ है, प्लीज और पेपर, अपना डायरी और पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि आपके जो सवाल है, ये आधे सवाल आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जितेंद्र कापूरिया सर, सॉरी, जितेश कापूरिया सर, जितेश कापूरिया सर, मैंने सर आपको ऑप्शन दे दिया है। हेलो, नमस्ते सर। बस नमस्ते नमस्ते सर। हाँ मेरा कुछ सवाल तो नहीं है, मैं मेरा सीनियर अब्दुल सर है मुंबई के। मैंने ओके 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 सर, आपने कभी शुरू किया है? 1 वीक हुआ है, डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप डायरी में नोट करिएगा, बहुत सारी चीजें आपको आगे सपोर्ट करेगी, आप जो भी नोट करेंगे वो। ठीक है, ठीक ठीक है सर, आप म्यूट कर है, लीजिए अपने आप ओके। को।
यस थैंक यू सर। प्रीति प्रीति मैडम वन सेकेंड कम। हाँ महेश जी मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है। सर मेरा वॉइस आ रहा है सर? यस आपका वॉइस आ रहा है सर। यस सर गुड इवनिंग सर सबको। हेलो यस बोलिए सर आपका वॉइस आ रहा है मगर थोड़ा कट के आ रहा है। अभी ओके सर? हाँ यस सर। हाँ गुड इवनिंग सर सबको। वेरी गुड हाय इवनिंग सर। मेरा नाम महेश सर, हैदराबाद तेलंगाना। यस सर रंजीत सर से मैं एस्टरडे कुछ मीटिंग सुना है, मैं अच्छा लगा। मैं जस्ट परचेस किया, जस्ट मॉर्निंग मैं देखा है, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था क्योंकि एक दिन भी नहीं हुआ। सर ने बोला आज ट्रेनिंग सुनो सबको, आपको समझ में आएगा बोल के। वही सर, ओके ओके यस सर यस सर। मेरे को पूरा एक्चुअली नॉलेज है फॉरेक्स में, क्रिप्टो में भी बहुत इंडिकेटर मैंने देखा है, बट कुछ भी एक सक्सेस भी नहीं हुआ। बट मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ, कुछ टाइम का टाइम सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम मेरे को हो चुका है, इसलिए सर को पूछा था। थोड़ा ये मीटिंग से मेरे को थोड़ा जानकारी अच्छा मिले वो को मैं सोच रहा हूँ सर। यस सर आपको पूरा जानकारी मिलेगा सर, और थैंक यू सर आपका थैंक कुछ यू। अगर ये भी सवाल भी जी अगर आपके दिमाग में अगर आ जाए तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे सर। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में रहता सर, अभी मैं थोड़ा कुछ दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ सुनता हूँ कुछ डाउट है ओके क्या है। ओके इसलिए मैं बोल यस रहा हूँ सर आपको। थैंक यस सर यस सर यस सर यू सर। थैंक यू सर। सर मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, और सवाल क्या होना चाहिए ये भी कंफ्यूजमेंट है। तो मैं मेन मेन टॉपिक पे आऊंगा। समय की किल्लत है, सभी लोग अपने टाइम निकाल के आए हैं, तो वन बाय वन सवाल लेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन मेन टॉपिक पे मैं बताऊंगा, आप सभी लोग पेन और पेपर लेके रेडी रहे। जो जो टॉपिक्स मैंने उठा है, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड साइकोलॉजी। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस गुरु यस जी। आपकी आवाज क्लियर आ रही सर। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यही कहूंगा, ट्रेडिंग की दुनिया एक अंधेरी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर लोग किसी न किसी के माध्यम से आ जाते हैं, अपने दिमाग से लोगों के डिपेंड होके ट्रेड करते हैं और अपना पैसा गवाते हैं। लोग अपना दिमाग लगाते हैं, स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, फंडामेंटल को पकड़ते हैं, टेक्निकल को पकड़ते हैं, साइकोलॉजी को छोड़ते हैं और जिंदगी भर अकाउंट उड़ाते हैं। जैसे कि मैंने कल मैं लाइव मीटिंग में मैंने कहा था कि सवाल भी हुआ कि सर मार्केट 2070 का तो ब्रेकआउट हो गया, 3 साल से 2070 से रिटर्न आई, सारी दुनिया आग बंद करके सेल के ऑर्डर लगा के बैठ गए और आज सुबह मार्केट 2140 मार दिया। कहने का मकसद ये है कि साइकोलॉजी भी अहम है, टेक्निकल भी अहम है और फंडामेंटल भी अहम है। मैं यहाँ पे मेरे कम्युनिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, मेरा मुझे ये जानना था कि आप लोग कितने अमाउंट लेके बैठ रहे हो और कितने अमाउंट से ट्रेड करके आप अपने सपनों को पूरा करने आए हो। तो 99% लोग इस दुनिया के अंदर, इस ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर पैसा गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं? इसका जवाब में मैंने दिया है कि जब 90% लोग सेल में बैठेंगे तो मार्केट बाय साइड चली जाएगी, और जब 90% लोग बाय में बैठेंगे तो मार्केट सेल में चलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उन लोगों के ऑपोजिट में ट्रेड कर रहे हैं जो पूरे दुनिया को चला रहे हैं। सबसे पहले बैंक, दूसरी गवर्नमेंट, तीसरी बड़े बड़े इन्वेस्टर एक तरफ है और दूसरी तरफ आप और हम लोग हैं। ओके, तो हमारा और उस बैंकर के ऑपोजिट में हम ट्रेड करके इस सपनों को पूरा करने ट्रेडिंग की दुनिया में तो आ जाते हैं। तो कभी ना कभी हर एक पल कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके वजह से हम अपने अकाउंट को वॉश आउट कर लेते हैं। जैसे कि जब शुरुआत में कोई बंदा आता है तो 10,000 रुपए लोड कर देता है, लोगों के सिग्नल पे चलता है, वो जो 10,000 सिर्फ मार्केट समझने में गवा देता है। 10,000
जाने के बाद वापस से सपने सजाता है, मार्केट के डेली के कैलकुलेशन देखता है, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट दे रहा है। अरे भैया मैं यहाँ लाख रुपया लगाता था तो मैं 1 CR ले सकता था, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मार्केट का कैलकुलेशन सीखने के बाद भी वो बंदा क्या करता है, वो 10 हजार गए हुए कवर करने के लिए अपने जेब से वापस लाख रुपया लोड करता है। लाख रुपया लोड करने के बाद इसे बंदे को ये भी नहीं पता होता है कि भैया मेरा स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए, मेरा टारगेट कितना परसेंट होना चाहिए। 99% ट्रेडर को यही नहीं पता होता कि मुझे कितना परसेंट लॉस सहन करना है, कितना परसेंट लॉस सहन करना है और कितना परसेंट प्रॉफिट बुक करना है। जितने लोग जितना बड़ा टारगेट रखते हैं और बड़े बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल देखते हैं, अपना ट्रेड लगाते हैं, छोटा एसएल रखते हैं और ट्रेड को उड़ा देते हैं। जितना बड़ा एक होता है एंट्राडे, एक होता है स्कैल्पिंग, एक होता है पोजीशन ट्रेड, ये तीनों तरह के ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट से शुरू करना है, एक पॉइंट के मास्टर बनने हैं, इसके बाद 2 पॉइंट पे जाना है, इसके बाद 5 पॉइंट पे जाना है, इसके बाद 10 पॉइंट पे जाना है, इसके बाद आपको 100 पॉइंट पे जाना है। तो आज मोस्टली ऑफ द ट्रेडर क्या कर रहे हैं, मोस्टली ऑफ द ट्रेडर यही कर रहे हैं कि भैया छोटा सा अकाउंट है, एक ट्रेड प्रॉपर लगा दिए कि इतना जोश आ जाता है कि दूसरा ट्रेड वो बड़े लॉट से लगा देता है और मार्केट घूम गया तो अकाउंट गवा के बैठ जाता है। इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर अगर सक्सेस होना है तो हमारा टेक्निकल पार्ट मजबूत होना चाहिए। टेक्निकल पार्ट का मतलब मार्केट कहाँ था, कहाँ आ सकता है। मैं अभी लाइव मार्केट में दिखाना चाहता हूँ टेक्निकल पार्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है और किस तरीके से उस चीज को हमें देखना है। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, जरा कोई बता सकते हैं गुरु जी? यस सर हो रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। यस जैसे कि वो बंदा लाख रुपए लोड कर देता है, कितना परसेंट लॉस सहन करना ये भी नहीं पता होता, फंडामेंटल नहीं पता होता, टेक्निकल नहीं पता होता है, और जब वो आंख बंद के किसी कैंडल को पकड़ लेता है तो मार्केट उसको कैंडल के साथ खींच के लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? क्योंकि आज आप और हम लोग इस मार्केट के अंदर इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसी कोई चीज घटना आ जाती है जिसके वजह से हमारे लोग सिर्फ पैसा गंवाते ना कि पैसा कमाते। मेरे मीटिंग का मकसद क्या है आप एंड में जानोगे, और जितने भी लोग जुड़े हैं मैं कहता हूँ आप लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। फंडामेंटल और टेक्निकल चीजों को मैं लाइव बताना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ जिसे के ऑप्शन दिया हूँ कि एसएल जनरेट कैसे करते हैं ये भी मैं लाइव में बताऊंगा। यस, तो पूरे इंडिकेटर्स मैंने निकाल दिए हैं। ये है गोल्ड मार्केट का चार्ट, टेक्निकल का मतलब क्या है? टेक्निकल का मतलब मार्केट कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा सकता है। अब ये कहाँ देखेंगे हम, तो हमें देखना है कहाँ पे, सीधा आना है आपको 1 मंथ कैंडल पे, 1 मंथ कैंडल, 1 महीने में 1 कैंडल बनता है। ये लीजिए, आगे हम टेक्निकल में थोड़ा सा मेरी चीजों को आप बारीकी से जाने या आप पेन पेपर लेके रेडी रहे। यहां पे 1 कैंडल 1 महीने में बना है, ओके। मोस्टली ऑफ द ट्रेडर स्कैल्पिंग में 5-5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर पैनिक होके अपने थोड़ा सा कमाते थोड़ा सा गवाते, पर उनको पता नहीं होता कि मार्केट कैसे चलता है, बराबर है। तो 3 चीजों हमने पकड़ी है, जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि सेशन का वैल्यूम सेशन इंडिकेटर से हमने पकड़ा है, मार्केट का वैल्यूम हमने बूमजैक एटे इंडिकेटर से पकड़ा है। तो सेशन और वैल्यूम अगर आपको पता चला कि अभी ये वैल्यूम आने वाला है तो आप अलर्ट रहते हो, बराबर। तो हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल।
अभी ये 1 महीने का एक कैंडल है, 1 महीने का एक कैंडल, ओके। ये हर महीने बनी है, ये देखिए, ये टेक्निकल चीजों को, यहां से डाउन गई, यहां से अप आई। अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड चालू होने वाला है, और अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। तो यहाँ पे आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस करके आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड निकाल सकते हो। कभी भी कोई ट्रेड बनती है तो कैंडल क्लोज होती है, कैंडल नहीं बनती है, अपसाइड आती है, डाउन जाती है, नई कैंडल बनती है, अपसाइड होती है, डाउन साइड जाती है। तो ऐसे कैसे जनरेट करना मैं आगे बताऊंगा। टेक्निकल का मतलब है मार्केट किस रूट जा सकती है यह हमें देखना है। तो हमें 1 मंथ कैंडल के ऊपर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके बड़े बड़े ट्रेड निकाल सकते हो, बड़े बड़े SLTP निकाल सकते हो। तो रियल में अगर हम जाएंगे प्रॉपर तरीके से मार्केट का डायरेक्शन समझना है तो 1 डे कैंडल बहुत ही जबरदस्त है। 1 डे कैंडल को आप प्रॉपर ऑब्जर्व करके आप देखिए, जब डाउन ट्रेंड चला है तो डाउन ट्रेंड ही चला है, जब अप ट्रेंड चला है तो अप ट्रेंड चला है। तो ये 1 डे, 1 दिन में एक कैंडल बनती है। इसको आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करके आप बड़े बड़े ट्रेड निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा बूम जैक 8A इंडिकेटर बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है, इसको मैं एक्टिव करने जा रहा हूँ। बूम जैक 8A, ये एक इंडिकेटर की ताकत आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए पहली लाइन रेड हुई, इसके बाद कंटिन्यू नीचे गई, ओके। लास्ट वाली ग्रीन है मतलब अप जाएगी। टिके रहना है, ये लास्ट वाली लाइन बताती है। तो इसको आप 1 आवर, 1 डे, 1 डे कैंडल पे प्रॉपर तरीके से देखो, आप प्रॉपर ट्रेड आपको मिलेंगे। देखिए 2 ग्रीन हुआ आपको बाय लेना है, 2 रेड हुआ आपको सेल लेना है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं 1 डे कैंडल, 1 मंथ कैंडल की वो भी स्टडी करना है, जिसको आप टेक्निकल को पकड़ पाएंगे। सेकंड थिंग फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है अभी मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमी में जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 3 मंथ का एक कैंडल है, ये देखिए, ये 2070 से हर साल इसी टाइम में नीचे गिरा, सारी दुनिया सेल में बैठ गई, तो मार्केट कहाँ जाना है, बाय में। तो ये है फंडामेंटल, फंडामेंटल ही 99% गोल्ड मार्केट में चलता है। तो अगर हमें पूरे दिन का ट्रेड करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम को आपको फॉलो करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल। अभी जैसे कि सबसे पहला सवाल आया था बूम जैक 9A में SL हिट होता है, बूम जैक 9A इंडिकेटर जो सिग्नल क्रिएट करता है, तो 15 मिनट में बाय बता रहा है और 5 मिनट में सेल बता रहा है, कभी कभी 5 मिनट में बाय बता रहा है तो 15 मिनट में सेल बता रहा है, ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जब ट्रेड लेना है तो सबसे पहले एक एक पॉइंट के मास्टर बनने के लिए बूम जैक 7A सेशन इंडिकेटर को फॉलो करो, बूम जैक 8A को फॉलो करो, बस दैट्स इट। पर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको मैं बताता हूं कि जैसे ये कैंडल बनती है थोड़ा वैल्यूम आता है, वैल्यूम आने के बाद यहाँ पे एक टाइम दिख रहा है क्या, 50 मिनट के बाद अभी नया कैंडल बनेगा। तो मार्केट का जो ऐसे वक्त में क्या होता है कि ये जो देखिए स्विंग बनी है, स्विंग बनी है, स्विंग बनी है, स्विंग बनी है, क्यों बनी, कैसे बनी, तो जब भी मार्केट डाउन आई है, अपसाइड गई है, टाइम खत्म हुआ, नया कैंडल बना, और जैसे ही नया कैंडल बना तो नया कैंडल बनते ही मार्केट थोड़ा सा अपसाइड पंप मारती है, और ये अपसाइड पंप के चक्कर में वहां पे हमारे लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल जनरेट होता है, वहां पे बाय में बैठ जाते हैं। आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप बाय का ट्रेड क्यों लगा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डाउन ट्रेंड में आपको मार्केट ऊपर आया तो सेल का ट्रेड लगाना है, और अप ट्रेंड में मार्केट नीचे आया तो आपको बाय का ट्रेड लगाना है। ये देखिए कितना जबरदस्त 1 आवर के कैंडल पे सिग्नल जनरेट हुए हैं। आप पहला कैंडल बना,
अपसाइड गई, डाउनसाइड गई, जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज हुआ रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने से पिछले कैंडल का जो है, पिछले कैंडल का लो है, यहाँ से आप एक पॉइंट का नीचे एसएल लेकर आप यहाँ से एंट्री लेके बाइंग में यहाँ से आपको निकल जाना है। तो मुझे ये कहना है कि बड़े बड़े मोमेंट को देखकर अपने अकाउंट को तो देख, अपने अकाउंट का साइज क्या है और बड़े बड़े मोमेंट को हासिल करने के लिए अपना बैकअप तो देख। बैकअप है हमारा, हमारे पास जिस तरीके से समुन्दर के अंदर बड़ी मच्छी गल में फंस गई तो आपको खींच के लेके जाती है, तो बड़ी मच्छी फंसाने के लिए आपको उतना बड़ा जाल लगाना है। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, गल लगा रहे और बड़ा बहुत बड़ी वेल मच्छी पकड़ने की सोच रहे, तो आपको खींच के ही लेके जाएगा समुन्दर में। तो ट्रेडिंग के अंदर 99% ट्रेडर यही सोचते हैं कि भैया मैं $100 लगाऊंगा और $1000 बनाऊंगा। हाउ टू पॉसिबल, पॉसिबल है, पर पॉसिबल करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे पास टेक्निकल क्या है, हमारे पास फंडामेंटल क्या है, हमारा टेक अ प्रॉफिट का टारगेट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस का टारगेट क्या है। स्टॉप लॉस का टारगेट है नहीं, मेरा मेरा स्टॉप लॉस कितना परसेंट होना चाहिए यह भी हमें पता नहीं होता, और मेरा टारगेट कितना परसेंट होना चाहिए यह भी हमें पता नहीं होता। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ कितना जबरदस्त आपको मोमेंट मिला, और मैंने हमारे बूम जैक प्लानिंग के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक पॉइंट के मास्टर बनो। अगर आप एक एक पॉइंट के भी मास्टर बनते हो तो मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ एक एक घंटे में कितने जनरेट हुए देखिए। चलो ये साइडवेज है, साइडवेज तो छोड़ दो, आपको अगर डाउन ट्रेंड मिल रहा है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन पे ही जाएंगे, आपको पता है। और इसके बाद आप सेशन का वॉल्यूम को चेक करो, न्यूज के वॉल्यूम को चेक करो, एक पॉइंट का एसएल लो भैया, यहाँ पे एक सेल बना है तो एक पॉइंट का एसएल लो यहाँ ऊपर से, और यहाँ से आपको यहाँ तक प्रॉफिट आपको 3 से 4 पॉइंट देके जाता है। फिर भी हम बड़े बड़े पॉइंट, बड़ा पॉइंट आना चाहिए, बड़े प्रॉफिट आने चाहिए, इस मकसद से टिके रहते हैं और हमारा एसएल हिट हो जाता है। 99% ट्रेडर तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। अभी स्टॉप लॉस क्या है ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा, तो भैया यूट्यूब में जाओ, स्टॉप लॉस क्या उसका जवाब आपको मिल जाएगा, तो अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करें। तो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, 1 आवर कैंडल को आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करोगे, बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। एक कैंडल जाने दो, नेक्स्ट कैंडल से एंट्री मार के अपने 2 कैंडल भी पकड़ लिए तो भी आपको 10-10, 15-15 पॉइंट देखे जाता है। तो ये हो गया एसएल जनरेट कैसे किया जाता है, इसको आपको मैंने लाइव में बताया है। अप ट्रेंड में बाय में ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड में सेल में ट्रेड लेना है। हमारे लोग अप ट्रेंड में सेल में ट्रेड लेते हैं और डाउन ट्रेंड में बाय के ट्रेड लेते हैं और फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल चीजों को मैंने आपके सामने रखा हूँ, फंडामेंटल कहाँ देखना है, माय एफएक्स बुक एक ऐप एप्लीकेशन है, वहां खोलिए, वहां पे जितने ज्यादा लोग जिस तरफ रहेंगे, ज्यादा लोग जिस तरफ रहेंगे उसके ऑपोजिट साइड में अपने को ट्रेड लेना है। समझ, इसके पहले हमें न्यूज एंड सेशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक को, ऑल मार्केट स्ट्रेटजी, राइट एंट्री राइट एग्जिट, राइट एंट्री और राइट एग्जिट कैसे करें, सर कौन से इंडिकेटर को हम फॉलो करें। मैं कहता हूँ सिर्फ आपको सेशन ही फॉलो करो मेरे भाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम रखो ईमानदारी के साथ, और बूम जैक एटे को एक्टिव करो, बूम जैक एटे को एक्टिव करो, और हमारा जो मेन इंडिकेटर है बूम जैक 7A, सेशन ओनली सेशन। आपको आपके सपने हैं टाइम देना पड़ेगा, आपके सपने हैं वक्त देना पड़ेगा, ट्रेडिंग सीखना है, पैसा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो बहुत सारे लोग सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं। एडमिशन लेके फायदा क्या अगर उसका आपको यूज नहीं किया है, 30 दिन में तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने हमने कहा कि 2 रेड हुआ तो आपको सेल का ऑर्डर लेना है, देखिए 2 रेड हुआ, मार्केट यहां से यहां है, अपने को कितना पॉइंट लेना है, 1 पॉइंट। ओके, रिट्रेसमेंट टाइम मैंने लिखा है, एशिया मार्केट खुलता है सुबह 5:30 बजे लिख लो, और बंद होता है सुबह 11:30 बजे, 5:30 बजे खुलता है, 11:30 बजे बंद होता है। रिट्रेसमेंट टाइम है 8:35। अभी रिट्रेसमेंट टाइम का फंडा क्या है, अगर 8:35 से पहले नीचे से मार्केट ऊपर आई तो ऊपर से नीचे जाएगी, और ऊपर से नीचे आई तो नीचे से ऊपर जाएगी। इसको आपको ऑब्जर्व करना है, पूरे वीक के रिपोर्ट निकालो, आपको प्रॉपर एंट्री और टारगेट मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि भैया एक पॉइंट ले लो,
खुलते वक्त एक पॉइंट ले लो, रिट्रेसमेंट में 2 पॉइंट हो गए। ये हमारा लंदन मार्केट है, लंदन मार्केट देखिए, मैंने आपको बोला कि 2 रेड हुआ तो आपको सेल मारना है, यहाँ से सेल मारे, 3 रेड हुए, सेल में पड़े रहो लास्ट तक, देखिए आपको इतना जबरदस्त मूवमेंट दिया, ये सपोर्ट को फॉलो करो। और लंदन मार्केट ओपन होता है 12:30 बजे और खत्म होता है दोपहर को 3:30 बजे, सुबह 12:30 बजे स्टार्ट होता है दोपहर को और शाम 3:30 बजे खत्म होता है। रिट्रेसमेंट टाइमिंग लिख लो, रिट्रेसमेंट टाइमिंग 2:05, 2:05 में देखिए मार्केट अपसाइड ही गई। आपको पता है सुबह से एशिया मार्केट से लेके लंदन मार्केट तक अगर मार्केट डाउन गई है तो मार्केट कहाँ जाएगी, सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड गई। तो ये हो गया, अभी न्यूयॉर्क मार्केट स्टार्ट हो गया है, वैल्यू माना स्टार्ट हो गया है, तो हमें देखिए यहाँ पे तो ग्रीन होने का हमने बाय साइड ट्रेडिंग ली। और तीसरा है ये बोल रहे हैं कि भैया टिके रहो सेल में, बाय में तो ग्रीन है, तो इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके आपको चलना है। और ज्यादा अगर आपको हेडेक नहीं चाहिए तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग शॉर्ट को लोग बोलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट कभी कभी घूम जाता है, कभी कभी बाय साइड जाते जाते सेल साइड चला जाता है। अगर आप 1 आवर पे ध्यान दोगे तो आपके ट्रेड प्रॉपर, ये पूरे दिन का ट्रेंड क्रिएट करता है सर, ये जो है ना पूरे दिन का ट्रेंड है। आपको यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त आज मोमेंट दिया है, ये एक मोमेंट आया था बड़े क्रैश के बाद, देखिए बड़ा क्रैश हुआ, मोमेंट आया अपसाइड के। एसएल लेके करो ना भाई, एक एक पॉइंट का एसएल भी लेते हो तो क्या बुरा है, तो एसएल लेते नहीं है, फंस जाते हैं और रोते बैठते। तो लॉन्ग आया बाय करना है, शॉर्ट आया एक पॉइंट का एसएल लेके आप एक एक पॉइंट लेके निकल जाओ। कौन बोला आपको 10-10, 20-20, 50-50 पॉइंट चाहिए, ओके? तो बड़े बड़े पॉइंट चाहिए तो बड़ा एसएल रखो और बड़ा टीपी रखो, छोटा पॉइंट चाहिए तो छोटा एसएल रखो, छोटा टीपी लो। ये सारी चीजें मैंने सामने रख दी है और मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, ओके, संतोष यादव रायसेन, ओके, आपको मौका दिया जाएगा, वेट। मेरा कहने का मकसद यह है कि हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए। बूम जैक का मकसद क्या है? बूम जैक का मकसद है कि 30 ट्रेड कंप्लीट करने हैं हमें, 30 ट्रेड कंप्लीट करने हैं, पर ट्रेड 2 पॉइंट लेने हैं, टोटल 60 ट्रेड कंप्लीट करने हैं। 1 पॉइंट एक दिन में भी लिया तो भी बंदा लखपति बन सकता है, 1 पॉइंट अपने अकाउंट में, 1 पॉइंट अकेडमी के अकाउंट में। जैसे कि मैंने आपको मैं बता दूं कि हमारे जो न्यू पीडीएफ को मैंने रिलीज किया है उसके अंदर 2 प्लानिंग है, एक डायमंड प्लानिंग है और एक गोल्ड प्लानिंग में। मुझे बताइए कि इंडिया में ऐसा कौन सी एकेडमी है जो प्लानिंग प्रोवाइड करती है? कंपाउंडिंग आ चुका है प्लानिंग के अंदर, कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन। तो कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन को जब आप फॉलो करोगे तो ही सक्सेस करोगे, नहीं तो हर महीने आपको रिन्यूअल करना है। सीखने के लिए एक एक पॉइंट निकालना, कितने भी बड़े ट्रेडर हो एक एक पॉइंट निकालना, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मार के ज्यादा से ज्यादा लंबे लंबे प्रॉफिट का सोचना है? तो कंपाउंडिंग करके एक छोटे अमाउंट से भी हम बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। तो एक हमारी छोटी सी कोशिश थी कि मोस्टली ऑफ द ट्रेडर $100 नोट करके $1,000 बनाने की मंशा रखते हैं। आप बना लोगे $100 के $1,000 बना लोगे, एक रात ऐसी आएगी वो $1,000 को आप जीरो कर दोगे। ये मार्केट किसी का नहीं है, हर दिन इंसान का माइंड बदलते रहता है, हर दिन मार्केट का माइंड बदलते रहता है। मार्केट के साइकोलॉजी को समझना है, मार्केट के टेक्निकल चीजों को समझना है। आपको जितने भी ट्रेडर बैठे हैं जिन सबको पता है कि जब 90% लोग बाय साइड बैठेंगे तो मार्केट सेल साइड आएगी, और जब 90% लोग सेल साइड बैठेंगे तो मार्केट बाय साइड जाएगी। आपको पता होना चाहिए था कि 2070 ये मजबूत रेजिस्टेंस था, 3 सालों से उस जगह पे टच करके मार्केट नीचे आती गई और लोगों ने उस मौका को गवाया। इस बार उन्होंने मौका पकड़ना चाहा पर क्या हुआ, सारी दुनिया बैठी सेल में, मार्केट चली गई बाय में। तो अगर हमने साइकोलॉजी समझते कि इस टाइम वो नहीं होने वाला, जो अलग चीजें हो सकती है, इन्वेस्टर लोग बाय में पैसा लगा के बाय में ले जाएंगे, हम सेल में क्यों बैठे? ऐसे बहुत सारे ट्रेडर मार्केट के अंदर बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस है जिन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए कि घर बेचकर पैसा लगा दो। आप मुझे बताइए आज उन लोग की क्या हालत हुई होगी। तो कंपाउंडिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हर एक बंदा
सक्सेस हो सकता है। नहीं चाहिए हमको दूसरा पॉइंट, एक एक पॉइंट का मास्टर बनना है, बस हो गया। एक पॉइंट 60 डे में तुम लखपति बनते हो, और अगले एक एक पॉइंट डायरेक्ट आप करोड़पति बनते हो। अगर आप डायरेक्ट मेरे डायमंड प्लानिंग में एंट्री मारते हो $1000 से, तो आपको डायरेक्ट आप करोड़पति बनते हो। ये मेरे प्लान की ताकत है, इसको आप समझो, मेरे पीडीएफ को रीड करो। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मेरा जो डिपार्टमेंट है मैं गुरुजी के हाथ में देता हूँ, और कुछ भी टेक्निकल सवाल होगा तो वन बाय वन क्लियर करे गुरुजी। यस 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 यशिन सर, जैसे कि यशिन सर बताते हैं कि लालच मत करिए, हम लोगों का डिस्कशन हुआ है आज सुबह में ही, मार्केट कहाँ जाना था और कहाँ चला गया, कितने लोगों को लॉस कर गया, इसमें कितने लोग लॉस हुए आज मार्केट में, तो ये समझना भी जरूरी है। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग वन बाय वन सवाल लेंगे। पहली बात तो पहला सवाल था सर, बूमजैक 9 का ये सवाल था। बूमजैक 9 जब क्रिएट होता है, सिग्नल बाय साइड सेल साइड दिखाती है। ये मैंने बूमजैक 9 में ट्रेड लगाने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए 1 आवर कैंडल को ध्यान देना है, उसकी कैंडल क्लोजिंग को पकड़ना है, तो भी आपको वहां पे राइट एंट्री और एग्जिट पता चलेगा। अप ट्रेंड में हमें बाय में ट्रेड लेना है, और सेल ट्रेंड में हमें सेल में ट्रेड लेना है। तो मार्केट अप जाने के बाद सेल का ट्रेड लेना है, तो मोस्टली ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, कैंडल क्लोजिंग स्विंग के अंदर घुस जाते हैं और अपने ट्रेड का एसएल हिट कर लेते हैं। तो मैं आपको 1 आवर कैंडल बता देता हूँ। आपको पता है कि सुबह से मार्केट गिर रही है, ओके, यहाँ सेल का बता दिया है। तो अगर बाय ट्रेंड है तो आप यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, नई कैंडल बनी, नीचे का एसएल लेके आप एक ट्रेड लो, एक कैंडल बनी निकल जाओ, वापस दूसरा कैंडल बनती है, नीचे का एसएल लो और प्रॉफिट बुक करो, वापस एक कैंडल बनती है, आप 5 बार घुसो और 5 बार एक बड़े बड़े प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मोस्टली ऑफ द ट्रेडर $100 बनाते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर राइट एंट्री और एग्जिट करके $150 भी बना लेते हैं। तो आपको तय करना है कि बहुत सार कई बार ऐसे होता है कि प्रॉफिट दिख रहा है, बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, बंदा कम लॉस में निकल जाता है, बाद में वापस दूसरी कैंडल नहीं बनती, मार्केट उठा के लेके जाता है, तो बोलता है अरे यार वो ट्रेड रखता तो मुझे और प्रॉफिट होता। तो ये चीजों को, ये एसएल जनरेट कैसे करना है, मेरे हिसाब से ये सवाल क्लियर हो चुका है सर। ओके ओके, ये अब्दुल जी का सवाल था। अमित सर का कुछ सवाल, अमित सर को अगर हम लोग वन बाय वन सबको एक एक करके अनम्यूट करें सर, तो सब लोग क्लियर हो सकते हैं। अगर किसी के सवाल है तो हम लोग सवाल क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात मैं ये बताऊं, ये डाउट, ये जो वर्ड है ना सर, जिसने किया डाउट हो गया वो आउट। भैया हम क्या दे रहे हैं, 3000 में एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं जो मार्केट के अंदर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो डाउट ये वर्ड करना नहीं है, आपकी कुछ क्वेरी हो तो ये आप वर्ड यूज कर सकते हो। और सवाल तो देखो, ये समुंदर है, ट्रेडिंग की दुनिया एक समुंदर है, आप कितना भी नॉलेज लेके तो भी कम है। तो मैं कुछ पर्टिकुलर चीजों को जमा किया हूँ जिसके माध्यम से आप एक एक दो दो पॉइंट जनरेट करके बड़ा पैसा आप बना सकते हो। तो पहली बात अपने दिमाग में डाल लो कि भैया ये डाउट सवाल तो आपके हजार रहेंगे, मैं सवाल दे के जवाब देता रहूंगा और आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो वो जवाब क्या काम का। मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मेरे चारों इंडिकेटर के मतलब बताता हूँ, ये क्या है, कहाँ से एंट्री लेना है, क्या करना है। कितने स्टूडेंट फॉलो करते हैं बताओ मुझे, कितने लोग उस टाइम में ट्रेड करने बैठते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ट्रेड कहाँ से करोगे, पैसा आपको कहाँ से आएगा, महीना खत्म हो जाएगा, बाद में बोलेंगे रिन्यूअल करना पड़ेगा, डबल पैसा देना पड़ेगा। तो आपको सक्सेस होना है तो अगर मैंने कोई चीज बताई तो उसको आप फॉलो तो करो। तो फॉलो के लिए आप कितने ट्रेड, मुझे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे रियल अकाउंट रियल अकाउंट चाहिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपका प्रैक्टिस का पता नहीं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट स्टार्ट में मेरे साथ जुड़े, वो लोगों ने $20 के अकाउंट उड़ा डाला। अभी अकाउंट तुमने उड़ा डाले, तुम्हारी प्रैक्टिस ही नहीं, तो और जाके घर में जाके सो जाएंगे। अब इसमें मेरा नुकसान है क्या, नहीं, मुझे मेरी कंपनी उस लेवल पे लेके जानी है जिनको सच में लाइफ में सक्सेस करना है, जिनके विजन बड़े
वो लोग मेरे साथ टिके रहेंगे। ये जो मीटिंग लगाने का मकसद ये था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से मार्केट के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करके ट्रेड कर रहे हो। आपका मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपका स्टॉप लॉस मैनेजमेंट नहीं है, आपका टारगेट मैनेजमेंट नहीं है, तो आप सक्सेस कैसे होंगे। तो बूमजैक प्लानिंग के अकाउंट तो तुम क्रिएट कर लिए हो, प्लानिंग को आपको दे दिया है, तो आपका एसएल कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है, ये आपको पता नहीं है। आप मुझे बोलोगे तो मैं बताऊंगा ना सर। तो एक एक पॉइंट भी निकाले दिन में। आप कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 30 दिन पहले जुड़े थे, उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर ले लिया है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपने ही धुन में किसी न किसी मार्केट के ट्रेड मार रहे, एक दिन कमा रहे, 2 दिन गवा रहे। अगर आपने ट्रेनिंग ही नहीं लिया तो आप कहां से सक्सेस पाओगे। तो ये मेरा मीटिंग का मकसद था। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं तो मुझे यही कहना है कि भैया यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। अगर आपको सक्सेस करना है, आप पर्सनली मेरे सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर का एजुकेशन मैंने दे दिया, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके, तो गुरु जी आप जरा देख लीजिए। यस सर, यस सर। यासीन सर, कुछ लोगों के सवाल थे, मैं भी सुनते आ रहा था कि अपना जो ट्रेनिंग मीटिंग होगा तो हम एक सेशन को पकड़ के लाइव ट्रेडिंग आप करके दिखाइएगा, एक सवाल था। किस तरह से ट्रेड को लगाना है, किस तरह से क्लोज करना है, किस तरह से अपना सॉफ्टवेयर कौन से जगह प्रैक्टिकल लगा के क्या आप पॉइंट निकाल के देते हैं। ट्रेड कैसे लगाना है, कितने लोगों को पता है और कितने लोगों ट्रेड कैसे लगाना है और कैसे क्लोज करना है और पॉइंट कैसे लेना है। मेटा ट्रेड फाइव एक एप्लीकेशन है। ओके, मेटा ट्रेड फाइव के अंदर इंटरनेशनल सर्वर है, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अभी ये सब कॉमन चीज है सर, पहली बार तो ट्रेड करना है तो ये एक सर्वर है, और ब्रोकर जो होता है ये एक सर्विस है। ब्रोकर का जो पार्ट है सर्विस देना, डिपॉजिट विड्रॉल। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है, हजारों ब्रोकर है, तो आपको कौन सा चूज करना है, कब, जब मास्टर बनेंगे तब। उसके पहले मैंने क्या रूल रखा है कि आप कितने बड़े भी बड़े मास्टर बन गए तो भी आपको 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन मेरे सॉफ्टवेयर को समझने के लिए वक्त देना है। ओके, तो लाइव मार्केट में आपको अभी एंट्री लेना है। ओके, तो चलो देखते हैं मोमेंट कैसा क्रिएट होता है, वैसे मैं बताता हूँ। तो आगे का सवाल, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, यूट्यूब में जाना है, MT5 बाय सेल डालो, आपको जवाब मिल जाएगा जी। और कौन सा सॉफ्टवेयर अगर अपन लोग अगर यूज करते, इजी पड़ेगा और बेनिफिट देगा, ये भी एक बंदे का सवाल था। हाँ, तो आपको रियल में अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है या प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है, ये तो बताओ पहले मुझे। स्कैल्पिंग करनी है, करनी क्या है, कितना प्रॉफिट लेना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट लेना है कि तुम्हारे अकाउंट में $100 है, तुम $1,000 बनाने के लिए बैठे हो एक दिन में, हाउ पॉसिबल। आपका टारगेट क्या है, आपका प्लानिंग क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका साइकोलॉजी माइंड में अंदर क्या घुसा हुआ है कि आपको एक दिन में $1,00,000 बनाएंगे $100 से। ओके, जी। बाकी दूसरे टेक्निकल किसी के सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, टेक्निकल सवाल प्लीज आप हैंड रेज करिए, हैंड रेज इसलिए करिए कि मेरे 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 सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी आप सवाल होंगे आप पूछ सकते हो। फिजूल के सवाल के जवाब देके मैंने क्या पूरे ट्रेडिंग मार्केट का ठेका नहीं लिया है, किसी ने किसी ब्रोकर का ठेका नहीं लिया है। मैं यहाँ पे ब्रोकर प्रोवाइड करने नहीं आया हूँ, ओनली ओनली सॉफ्टवेयर एजुकेशन देने आया हूँ और सॉफ्टवेयर लोगों तक पहुंचाने आया हूँ। अगर ब्रोकर प्रमोट कर देता, क्योंकि ब्रोकर मार्केट में जिस तरीके से फिल्में रिलीज हो रहे हैं वैसे ब्रोकर रिलीज हो रहे हैं, तो ब्रोकर का मैं गारंटी में नहीं ले रहा हूँ किसी का। तो ब्रोकर का जो मसला है ये हम दोनों
सीख कर, बातचीत कर कर, मशोरे से कि 30-30 साल पुराने भी ब्रोकर मार्केट में चल रहे हैं। तो ब्रोकर कब डिस्कस होता है? जब आप मास्टर बनेंगे तब। आप मास्टर बने ही नहीं तो आप रियल अकाउंट में क्यों घुस रहे हो? अभी जैसे कि अभी सवाल है, $100 दिन का कमाना है। आओ सर, $100 के सर दिन का आप $1,000 बनाओगे, सबसे पहले आप डेमो के मास्टर तो बनो। दिन में एक एक दो दो पॉइंट तो जनरेट करो, $10,000 आपको डेमो में मिलता है। बराबर? तो टेक्निकल, फंडामेंटल एंड साइकोलॉजी, ये सारी चीजों को लेके आप चलेंगे, इसके बाद ही आप रियल में आओ। नहीं तो मोस्टली ऑफ द पीपल ट्रेडिंग के अंदर अपने दिमाग से पैसा लोड कर करके तो बर्बाद हो चुकी है, कि आपको भी बर्बाद होना है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग बर्बाद ना हो, कम से कम रिस्क में, कम से कम मेहनत में एक बड़ा सा बड़ा अमाउंट कमाने के लिए आपको पहला मास्टर बनना है। मोस्टली ऑफ द ट्रेडर मुझे सवाल पूछ रहे, ये कैसे पॉसिबल है? अरे मेरे भाई, पॉसिबल है नहीं, वो साइड में रख, पहले सॉफ्टवेयर तो ले, मेरे सॉफ्टवेयर की ताकत तो देख ले, मेरा एजुकेशन तो ले। लॉस हुआ तो, अरे मेरे भाई, तू सीखेगा तब तुझे एंट्री है, नहीं सीखेगा तो नहीं एंट्री है। तो आप सीखोगे, आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, तो मुझे लगेगा कि सर दिस इज अ कैपेबल, तो ही मैं उसको बूमजैक प्लानिंग के अंदर घुसड़ने वाला हूँ। वो एडमिशन लेने से पहले प्लानिंग के अंदर घुस रहा है, मेरे प्लानिंग के वीक पॉइंट निकाल रहा है। अरे मेरे भाई, सीखना आपको है, मास्टर बनना आपको है, सीखना आपको है, पॉइंट जनरेट करना आपको है, फिर भी टेंशन लेके बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं आज के जमाने में। क्यों? कि गुलामी करने की आदत पड़ी है, लोगों को बड़ा करने की आदत पड़ी है, लोगों को करोड़ों रुपए कमाने हैं, मेहनत करना नहीं है, करोड़ों रुपए कमाने हैं। खुद किसी ने गाजर दे दिया तो लोग झाड़ पे चढ़ जाते हैं। अब एक तो मार्केट के अंदर फंडा आपको पता है, कंपनी खोलने वाले आज के डेट में तो भैया 5,000 की वेबसाइट, 5,000 का कॉइन जनरेट हो जाता है, और बिटकॉइन का बाप बोल के बेच के चले जाते हैं, और लोग बिटकॉइन का बाप समझ के लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसे हालत है मार्केट के अंदर कि सही गलत क्या ये भी उनको पता नहीं है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। तो कोई कुछ कह दिया तो झाड़ पे चढ़ गए। अरे मेरे भाई, पहले मैच तो करो, एजुकेशन एंड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर बनकर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ऐसे सवाल दे रहे हैं कि सर ब्रोकर भाग गया, तो अरे भाई ब्रोकर में दे ही नहीं रहा तो ब्रोकर भाग गया तो मैं क्या करूं। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी लोग ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने सारे ब्रोकर लोगों का ठेका लेकर रखा हूं। तो ये बात है, सॉरी जरा मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सवाल आए हैं। तो मास्टर बनो, इसके बाद अपने दिमाग से किस मार्केट में ट्रेड करना है करो, मत आओ प्लानिंग में। प्लानिंग में नहीं आने मत आओ, मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करो। सॉफ्टवेयर का 30 दिन के बाद आपका मेरा व्यवहार क्लोज, सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग आपको दिया, आपका मेरा व्यवहार क्लोज। ओके 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 यस सर। यहाँ पे राजनाथ सिंह सर है, मैं राजनाथ सिंह सर को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। वेलकम राजनाथ सिंह सर। जी सर, नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और यासीन सर, थोड़ा सा नाराज मत होइए। देखिए, ये दुनिया है और सब किस्म के कैंडिडेट आते हैं यहाँ और सवाल करते हैं। बस वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उनका कि वो सवाल सुनते नहीं है कि सवाल यहाँ क्या हमें पूछना है। ब्रोकर यहाँ नहीं दिया जा रहा है, ब्रोकर आप अपना चुनेंगे। यहाँ सॉफ्टवेयर के आधार पे आप ट्रेडिंग करेंगे। तो मेरा सवाल ये था यासिन सर आपसे कि आप इसमें एक बार डेमो पे अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा लाइव प्रॉफिट बना के दिखाइए। कुछ लोगों का सवाल था ऐसा कि सर हमें लाइव ट्रेड करके दिखाएं उन अपने सॉफ्टवेयर पे। अब जैसे हम अपने 4 इंडिकेटर हैं, तो पहले इंडिकेटर पे आप किस तरीके से लेना है वो प्रैक्टिकल सेम जो करेंगे आप, वो यहाँ जो यूजर हैं उसको कॉपी कर लेंगे, वो सीखेंगे। ये ट्रेनिंग हमें जितने भी हमारे यूजर हैं जो आगे सीखना चाहते हैं, इसमें कंटिन्यू रहना चाहते हैं, हम उनके लिए, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं कि 1 महीना देखते हैं इसको कैसा यूज है कैसा नहीं है और बाद में छोड़ देंगे, इस तरीके के भी आते हैं। लेकिन हमें इस सॉफ्टवेयर की ताकत को बताना है। लोगों के माइंड में नए नए सवाल चलते रहेंगे, हम प्रैक्टिकल उसी चीज का करना है कि हमें प्रॉफिट कैसे बनाना है इसमें, वो आप एक बार करके दिखा दीजिए। एक इंडिकेटर लगाइए अपना
और उसे एक इंडिकेटर पे एक पॉइंट का दो पॉइंट का मैक्सिमम में बात करूं, देखिए $100 का अकाउंट कोई बनाता है तो ये तो एक दिन में अंबानी बनने की बहुत लोगों के माइंड में स्कीम आती है, लेकिन अंबानी भी एक दिन में नहीं बना अंबानी। तो अगर $100 पे 5% एक दिन का आप लोग निकाल लेते हैं तो महीने का डबल हो जाता है आपका अकाउंट, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक दिन में $50 निकालने की सोच रहे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूंगा, जो मुझे 4 या 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, इस फील्ड को नहीं, ट्रेडिंग का कोई भी सेक्टर को मत पकड़िए, क्योंकि इस सेक्टर में एक दिन का 50% डेली नहीं निकल सकता। 5% आप चाहें तो डेली निकाल सकते हैं, 2%, 5%, 4%, 20 से 50% की बात करें तो वो चीज ठीक नहीं है। अगर यहाँ लोग ऐसी इस माइंड को लेके सॉफ्टवेयर के चक्कर में फंसे हैं तो प्लीज मैं भी उनसे यही बोलूंगा कि इतना बड़ा गेम खेलने की मत सोचिए, ये गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग कोई से भी मार्केट में कंटिन्यू नहीं चलती है। सर का जवाब मैं देता हूँ। लाइव मार्केट अभी चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वन बाय वन सिग्नल देता हूँ आपको। जैसे कि अभी सर ने कहा कि 5% लेना है, 10% लेना है, और बंदा पहले से ही 10,000 और 50,000 घुसा चुका है मार्केट में सीखने में, और किसी और से और पैसे अरेंज करके लोड कर रहा है, तो 5% 10% में कैसे वो मेहनत कर पाएगा? वो बंदे का माइंड यही रहेगा कि भैया मेरे पहले के पैसे रिकवर हो जाए, ताकि पहले वालों के भी फोन आ रहे, दूसरे वाले के भी फोन आ रहे और तीसरे वालों के भी फोन आ रहे। ये सारे हालातों से हम लोग भी एक वक्त में गुजर चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि 2% 5% ट्रेडिंग करना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में डालना है कि भैया सीड मनी, वो मनी जो आपके पास साइड में पड़ा हुआ है। लोगों के लाख रुपए के लेने से बेहतर है अपने $5 से ट्रेड करो, आप सक्सेस हो जाओगे। क्यों? एक एक दो दो पॉइंट के मास्टर बनकर, ना कि लोगों के अकाउंट ऑपरेटिंग करके देख लीजिए। और मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है, उनके नए नए ट्रेडर हो पुराने ट्रेडर, उनके दिमाग में यही है कि मुझे हर दिन ट्रेडिंग करनी है, किसी भी पेयर पे करनी है और मैं प्रॉफिट बना के ही निकालूंगा। तो ये जो मंशा लेके जो मार्केट के अंदर घुसते हैं वो घुस जाते हैं। कई सारे ऐसे ट्रेडरों को लगता है कि भाई मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मेरे भाई, लगने पे मार्केट नहीं चलती है, मार्केट फंडामेंटल चलती है। जब 90% लोग बाय साइड रहेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर लोग पैसा निकालेंगे सबको पैसा लेने के लिए, और 90% लोग सेल में बैठे हैं तो इन लोगों का पैसा लेना है, इसलिए इन्वेस्टर लोग पैसा लगा के मार्केट बाय साइड लेके जाएंगे। ओके, तो नो प्रॉब्लम, आपके सवाल का जवाब मैं दे दिया हूँ। मेरा ये मीटिंग लगाने का मकसद ये था कि आने वाले वक्त में, आने वाले बहुत जल्द, जितने जल्द से जल्द एकेडमी अकाउंट अपना क्रिएट करें। जो मैंने अमाउंट बताया है, जिसको डायमंड प्लानिंग में आना है डायमंड प्लानिंग में आइए, जिसको गोल्ड प्लानिंग में आना है गोल्ड प्लानिंग में आइए, फंड लोड करिए। दिन का एक या दो ट्रेड मैं खुद मार के उनसे सबसे मार के लेने वाला हूँ। ये सारी ये इस प्लानिंग के तहत मैंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। ऑनली ज्वाइन स्टूडेंट को क्यों बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे आपको तो अपना एक तरफ प्रैक्टिस चलता रहेगा, एक तरफ आपके सारी चीजें चलती रहेगी, दूसरी तरफ दिन में एक से दो ट्रेड मैं खुद देने वाला हूँ और मैं खुद मार के सबसे मार के लेने वाला हूँ। तो सक्सेस करने के लिए कौन कौन आना चाहता है वो अपने सीनियर तक अपना नाम दे, एकेडमी अकाउंट एक क्रिएट करे, एक अकाउंट पर्सनल क्रिएट करे, एक पॉइंट एकेडमी के अकाउंट में आने दो, एक पॉइंट आपके अकाउंट में आने दो। आने वाले 15 से 30 दिन में आप सब लखपति रहेंगे, और डायमंड प्लानिंग में चले गए तो आप सब करोड़पति रहेंगे। तो 60 पॉइंट पहले और 60 पॉइंट बाद में, 120 पॉइंट में खुद जनरेट करके देने की तैयारी रख रहा हूँ। तो कौन कौन आना चाहता है मैदान में वो बताइए, और अपने अपने नाम अपने अपने सीनियर को बताइए, और एकेडमी अकाउंट जिसको क्रिएट करना है जल्द से जल्द क्रिएट करें। बहुत जल्द ये काम और ये कारवा चालू करने वाला हूँ। ओके, तो सर गुरुजी। यस सर। अगला सवाल हम लोग लेंगे रितु मैडम का। रितु मैडम, मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है।
हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम। आवाज आ रही है मेरी बराबर? यस क्लियर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके ओके। ये सर, मुझे थोड़ा डाउट था यासिन सर से बात करना था जी सॉफ्टवेयर जी के जी बारे में। हाँ, जो हम 8A जो लगाते हैं सॉफ्टवेयर, और 7+A स्क्रीन शेयर करेंगे इसमें यासिन सर, उसमें बता सकते हैं आप? यस सर। याशिन सर, बुमजैक 8 और बुमजैक 7A। हाँ सर, 7+A वाला जो सेवन प्लस है। ओके यस लॉन्ग शॉट ले रहा। हाँ यस एक्चुअली देखिए, यहाँ पे जो लॉन्ग का जो सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, तो यस यस यहाँ पे अभी मार्केट गया है, एक्चुअली ऊपर ही गया है, लेकिन जो नीचे का जो जो लाइन है 8A वाला, तो वो रेड दिखा रहा है, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा हम यूज करें। नो प्रॉब्लम मैम, यहाँ पे आप देखिए, मैं प्रेजेंटेशन में हमेशा कहता हूँ कि दो लाइन रेड हुई तो आपको सेल मारना है, बराबर है मैम? हाँ देखिए हाँ देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये ब्रेकआउट जनरेट होता है लाइव मार्केट के हाँ अंदर। वो तो समझा हुआ है, वहीं तक लेते हैं लोग स्टॉप लॉस वगैरह सब। ब्रेक दिख गया तो मार्केट नीचे ही जाना है, हाँ और हाँ नीचे जाके अपसाइड आई तो ये अभी का पूरा दिन का ब्रेकआउट है। ओके, अभी हाँ आपको लॉन्ग और शॉर्ट बराबर ना, अभी हाँ आपने यहाँ पे अगर लॉन्ग जनरेट हुआ है तो हाँ वहां हाँ से 1 पॉइंट पीछे का हिस्से लेके ले लो और 1-2 पॉइंट लेके निकल जाओ, पहली हाँ बात। अच्छा दूसरा, ये शॉर्ट आया है तो पीछे का 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, 1-2 पॉइंट लो, निकल जाओ। अभी अच्छा मार्केट कहाँ पे है? ब्रेकआउट साइडवेज चल रहा है। के ऊपर खड़ा है मार्केट हाँ मैडम, ब्रेकआउट के पास। ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा है। तो आप मुझे बताइए, अगर अभी मोस्टली ऑफ द ट्रेडर क्या होता है, ब्रेकआउट के नीचे का ट्रेड लगाते हैं या तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लगाते हैं, राइट? हाँ। ब्रेकआउट के नीचे ट्रेड लगाया तो कभी कभी ऐसा होता है उस ब्रेकआउट को सपोर्ट लेके मार्केट अप जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ हाँ हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाँ ये फ्राइडे का मार्केट है मैम, देख लीजिए, ये यस ब्रेकआउट ब्रेक किया इसलिए इसके नीचे आया मार्केट। देखिए अपना कंफर्मेशन कितना जबरदस्त दिया था, दो रेड हुई, हाँ मार्केट नीचे, लास्ट वाली लाइन रेड है, हम सेल में पड़े रहे। ओके, प्रायोरिटी को हमें फॉलो नहीं करना है, सेकंड प्रायोरिटी को फॉलो किए, दो बाय किए, दो ग्रीन पे और मार्केट अपसाइड चली गई। तो ब्रेकआउट को आपको फॉलो करना है, ये जैसे कि मार्केट यहां से निकली, सेल दिया अपना 1-2 पॉइंट, अगर ब्रेकआउट है तो यहाँ पे आपको संभल के ट्रेड लेना है, सेल में ज्यादातर नहीं, पड़ा रहना नहीं है जब तक वो अभी। 1-2 पॉइंट के लिए मैं वेट कर रही हूँ, 1-2 पॉइंट का अपना अभी टारगेट है। हाँ पैसे लेके मैं आपने निकल जाऊंगी। बता, ये दो ग्रीन हुआ, लॉन्ग हाँ आया, बाय में पड़े रही, लास्ट वाली नहीं, कंटिन्यू ग्रीन रही, देखो आपको कितना बड़ा मोमेंट मिला है, ये हाँ देखिए। पर ये शॉर्ट आया तो आपको इधर ब्रेकआउट दिया है तो आप इधर शॉर्ट में क्यों बैठेंगे, नहीं नहीं बैठेंगे। बैठना है। हाँ ओके, तो ये जो ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट के वक्त शॉर्ट में बैठना नहीं, अगर बैठते हो तो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठो, बराबर? तो ये ब्रेकआउट को आपको समझना है, ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट जनरेट हुआ है, सेल बाय, और जिस तरीके से इसको थोड़ा सा आपको आज पूरे दिन का ब्रेकआउट देखो, ये सुबह से चल रहा है और ये हाँ अभी शाम हो गई है। ओके, तो हाँ ये ब्रेकआउट को आपको थोड़ा सा समझना है, या तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट अप जाएगी या तो इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगी। अभी जब तक ये नई कैंडल की ओपनिंग नीचे नहीं होती तब तक हमें ट्रेड लेना नहीं है। जैसे कि मैंने 1 आवर कैंडल पे उस दिन पे मैंने प्रिडिक्शन किया था कि 42 के नीचे, 34 के नीचे अगर मार्केट कैंडल ओपन हुई तो मार्केट नीचे नीचे का टारगेट 2025 होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा बूम जैक 9A इंडिकेटर्स, एक मिनट, बूम जैक 9A इंडिकेटर ये कितना जबरदस्त दिया है आपको मैं बता रहा हूं, ये देखिए क्लाउड में मार्केट था। ओके, क्लाउड को हाँ ब्रेक नहीं किया और इसी क्लाउड का सपोर्ट लेके मार्केट अब चली गई, इसको थोड़ा सा समझना है। और इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ट्रेडर लोग, ये देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट चली है। ओके, तो इसको थोड़ा सा सीखना है, मूविंग एवरेज के नीचे नई कैंडल बनी नहीं है तो मार्केट सेल में जाएंगी कैसे। तो ये जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था इसको देख के दिया था, जिसके वजह से प्रॉपर ट्रेड सक्सेसफुल हो गए। यस, तो आपको कैंडल जब नई बनती है उस पर ध्यान देना है, नई कैंडल बनती है साइडवेज मार्केट में, देखिए स्विंग को पकड़ के, फिर
4 आवर्स और 1 आवर्स को आप अच्छे से रीड करोगे तो प्रॉपर ट्रेड आप निकाल पाओगे। ओके मैम, मेरे हिसाब से मैं आपका सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। हाँ यस सर, अभी यहाँ पे सुनील पटेल सर है। यस सुनील पटेल सर, वेलकम सर। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की मीटिंग और ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए हमारे लिए। और मुझे एक्चुअली थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी थी कि आज बिल्कुल आज के ट्रेनिंग सेशन में प्लीज प्लीज सर थोड़ा ये सोचिए कि हमारे न्यू स्टूडेंट है जो 3 या 4 दिन या 5 ही दिन हुए अपने इंडिकेटर को यूज करने के लिए, और उसमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग व्यू पहली बार यूज कर रहे हैं, तो उन्हें उन्हें ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता नहीं था, और ये इंडिकेटर जब लगाने जाते तो फ्री वर्जन होने के कारण सिर्फ 2 इंडिकेटर ही लगा सकते हैं, राइट? तो उनको उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा लगाऊं और मैं उसको निकालूं कहां से। एक लगा होगा तो दूसरा लगाना होगा तो कैसे लगाऊं, और 2 लगे हुए अब मुझे 7A से 8A पे अपना 9A पर जाना है तो मैं कैसे उसको हटाऊं। काफी बार वो मोबाइल में हमें वो नजर नहीं आता ऊपर का जो पॉइंट है, तो मैं यासिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा वो बेसिक नॉलेज अपने इंडिकेटर को प्लेस करने का वो थोड़ा शेयर कर दीजिए। यस सर। और सेकेंड पॉइंट ये था, हमने ये न्यूयॉर्क सेशन पकड़ा है, हमने सोचा था कि आप सेशन इंडिकेटर मार्केट ओपन होते समय कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कहाँ से रिटर्न आ सकती है, उसके बारे में थोड़ा लाइव बताएंगे। और लाइव ट्रेड का मतलब ये है कि क्या हमें सेशन इंडिकेटर लगाकर देखना है या 9A लगाकर हम देख सकते हैं, राइट? वो थोड़ा शेयर करिए सर, हो सके तो। यस सर, लाइव मार्केट चल रही है, मुझे पता है अभी अभी साइडवे चल रही है तो थोड़ा इतना मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, पर शायद शायद हमारा जो रिट्रेसमेंट का कैलकुलेशन है 7 बजे वाला, थोड़ा उसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिए। ओके, थैंक यू सर, ये खाली बताना चाहता था, थैंक यू। सॉरी, न्यू स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं उन्हें मैं ये कहूंगा कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, बराबर है, तो उनको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि इंडिकेटर के ट्रेडिंग व्यू के अंदर 2 इंडिकेटर एक बार एक्टिव होते हैं, तीसरा होता है, बराबर है? तो कैसे निकालना है, लगाना है, वो सिंपल है। देखो यहाँ एरो पे आप टच करते हैं तो ये देखो, ऐसे नाम पे टच करेंगे तो ये क्रॉस पे निकल जाता है, ओके? ये नाम पे टच करे तो क्रॉस करेंगे तो निकल जाता है। तो आपको ट्रेडिंग कैसी करनी है, कब करनी है, मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए। तो हमारे 4 इंडिकेटर्स हैं, चारों इंडिकेटर से नाम लिख लीजिए। सबसे पहला इंडिकेटर है बूम जैक 8A, लिख लो, और दूसरा इंडिकेटर है बूम जैक 7A, ओके? ये 2 इंडिकेटर सेशन ट्रेडिंग करनी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें सेशन ट्रेडिंग करनी है, और हमें कितने पॉइंट लेने हैं, एक एक दो दो पॉइंट के मास्टर वर्ड। तो सेशन ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या फॉलो करना है, ओनली सेशन की बात कर रहा हूं मैं, बाकी टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली सेशन, ओके? तो सेशन के अंदर 3 सेशन चलते हैं, लिख लीजिए फटाफट पेन पेपर लेके, एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। पहला सेशन एशिया सेशन, एशिया सेशन मार्केट खुलता है सुबह 5:30 बजे, लिख लीजिए सुबह 5:30 बजे खुलता है एशिया सेशन, और बंद होता है दोपहर 11:30 बजे। तो लिख लीजिए फटाफट, रिट्रेसमेंट टाइम लिख लीजिए सुबह का 8:35, फ्राइडे का मार्केट का मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, रिट्रेसमेंट टाइम। इस टाइम से पहले अगर मार्केट ऊपर से नीचे आई तो नीचे से ऊपर जाएंगे, और नीचे से ऊपर गई तो ऊपर से
नीचे आएगी, जिसे बोलते हैं हम रिट्रेसमेंट टाइम। ओके, तो मोस्टली ऑफ द आप लोग जो भी एडमिशन ले चुके हैं बूमजैक 8A बूमजैक 7A एक्टिव करना है, पूरे वीक के रिपोर्ट निकालो और मेरा रिट्रेसमेंट टाइम को मैच करो, आपको प्रॉपर एंट्री और टारगेट मिल जाएगा। सेकंड जो टाइमिंग है, लंदन सेशन ओपन होता है दोपहर 12:30 बजे और खत्म होता है दोपहर 3:30 बजे। 12:30 बजे स्टार्ट होता है और 3:30 बजे खत्म होता है। लंदन वाले आते हैं धांगड़दिंगा करने। अभी ये रिट्रेसमेंट क्यों नहीं दिया है, अभी रिट्रेसमेंट कब लेना है और कब नहीं लेना है ये भी लिख लो। जब न्यूज नहीं, न्यूज रहे, जब न्यूज रहे, न्यूज रहेगी तो आपको रिट्रेसमेंट लेना नहीं है। ओके, रिट्रेसमेंट कब लेना है, तब अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचने से पहले लेना है। देखिए, एक तोड़ा तो दूसरे के करीब वो रिट्रेसमेंट लेती चे, और अपना कंफर्मेशन क्या है, 2 रेड हुआ तो सेल लेना है, 2 ग्रीन हुआ तो बाय लेना है। इसको इतना ही फॉलो करो, दैट्स इट। ओके, सेशन के अंदर फ्राइडे का मार्केट है, 1:45 को दोनों ग्रीन हुई, ऊपर की लाइन दूसरी लाइन और बाय में गई, और 2 रेड हुई सेल में गई। तो सेकंड जो इंडिकेटर है बूमजैक 8A वैल्यूम इंडिकेटर लिख लीजिए, बूमजैक 8A यह एक वैल्यूम इंडिकेटर है। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंफर्मेशन स्टार मारो, सेकंड लाइन फाइनल कंफर्मेशन, और थर्ड लाइन उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लाइन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लाइन के अंदर आपने 2 तरह की ट्रेडिंग करनी है, एक स्कैल्पिंग करनी है और एक पोजीशन ट्रेड करना है। तो स्कैल्पिंग करने वालों के लिए बूमजैक 7A एंड बूमजैक 8A ये एक्टिव करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेशन के अंदर, और ट्रेड करके छुट्टी करना है। शाम का जो मार्केट है न्यूयॉर्क सेशन का टाइम लिख लो, शाम 5:30 बजे स्टार्ट होता है और रात 8:30 बजे खत्म होता है। रिट्रेसमेंट टाइम लिख लो 7:05, 7 से पहले अगर ऊपर से नीचे है तो ये नीचे से ऊपर जाएगी। ओके, 7:05 रिट्रेसमेंट टाइम, W बना रहा है। अगर ये ब्रेक करा 2071400 ब्रेक करा तो यहां से आप बाय ले लो, स्टॉप लॉस रखना है आपको 2071400। ये ब्रेक होना चाहिए तो मार्केट जाएगी, टारगेट आपका रहेगा ये 76। ओके, तो ये आपको मैं लाइव बता रहा हूं, ये 3-2 इंडिकेटर के बारे में बताऊं। तो रिट्रेसमेंट लेना है क्या नहीं लेना है, कब लेना है और कब नहीं लेना है, लेना तब है जब न्यूज नहीं रहे, और लेना तब नहीं है जब न्यूज रहे तो लेना नहीं है। ओके, तो ये आप लिख लो। और जितने भी स्टूडेंट है बूमजैक 7 या बूमजैक 8 को एक्टिव करके आपको एनालिसिस करना है। पोजिशन ट्रेड वाले आपको क्या करना है, 4 आवर्स पे आना है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आप चेक कर लो पोजीशन ट्रेड। जिनको लंबे लंबे ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए, और जिनको एक ही ट्रेड लगाना और अपने लाइफ को सेटल करना है उन लोगों के लिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट आज तो भैया 2048 टच करके आ गया, 2148। तो हम ये ग्रीन का सर्कल चल रहा है, ये रेड का सर्कल चला, ये ग्रीन का सर्कल चला, ये रेड का सर्कल चला। ओके, तो हमें मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जूम करता हूं थोड़ा सा अच्छे से। आपको मैंने बताया 2 रेड हुआ तो सेल मारना है, 2 ग्रीन हुआ तो बाय मारना है। ओके, सेलिंग ट्रेंड में मोस्टली ऑफ द ट्रेडर बाय में फंस जाते हैं, और बाइंग ट्रेड में मोस्टली ऑफ द ट्रेडर सेल में फंस जाते हैं, बराबर। तो 2 ग्रीन हुआ, 2 रेड हुआ, देखो ये ग्रीन के सर्कल के बाद जैसे ही 2 रेड हुआ मार्केट थी 1932। ओके, लास्ट वाली लाइन रेड हुई, लास्ट वाली लाइन को मैं हमने बोला स्ट्रॉन्ग लाइन, पड़े रहो सेल में। 1928 हम पड़े रहे सेल में, लास्ट वाली लाइन बोलते सेल में पड़े रहो, सेल में पड़े रहो, सेल में पड़े रहो, पर भैया यहाँ पे
ग्रीन हुई, देखिए लोग बाय में बैठ गए, यहाँ पे हुई ग्रीन, बाय में बैठ गए लोग, यहाँ हुई ग्रीन, वो लोग बैठ गए जिनके पास बूमजैक एटे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लाइव में कि मोस्टली ऑफ द ट्रेडर सेलिंग ट्रेड में बाय में ट्रेड लगा के वॉश आउट करा देते हैं, मोस्टली ऑफ द ट्रेडर बाइंग ट्रेड में सेल के ट्रेड लगा के अपने अकाउंट उड़ा देते हैं। तो डेट के साथ में बता रहा हूँ, 22 सितंबर को कंफर्मेशन दे दिया कि भैया हम सेल में जा रहे हैं, 22 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक हम सेल में पड़े रहे। मार्केट कहाँ आई, 1900 से 1800, तो मतलब कितना दिया पॉइंट, 100 पॉइंट दिया पोजीशन ट्रेड। जिस बंदे ने 100 रुपया लगाया उसने 1,00,000 रुपए लिए, और जिस बंदे ने 1,00,000 का ट्रेड लगाया उस बंदे ने 1 CR लिया। कितने दिन में, 22 तारीख से 6, 8 और 6, 12, 14 दिन, 14 दिन उसने अपना ट्रेड को होल्ड रखा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 6 तारीख को 2 ग्रीन हुई, चलो नेक्स्ट कैंडल से हम एंट्री मारते हैं, चलो लास्ट वाले कैंडल से एंट्री मारते हैं, यहां से हम एंट्री मारते हैं। ओके, 1800 से 48 लास्ट वाली लाइन बोली कि भैया टिके रहो, हम टिके रहे, मार्केट गई किधर, 2000, 200 पॉइंट। ओके, मोस्टली ऑफ द ट्रेडर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, यहाँ पे सेल में अटक गए, यहाँ सेल में अटक गए, यहाँ सेल में अटक गए, यहाँ सेल में अटक गए और अपने अकाउंट उड़ाए। पर जो बूमजैक का स्टूडेंट है उसने अच्छा पोजिशन पकड़ा 6 तारीख को और बाय में पड़ा रहा, 200 पॉइंट लिए। जिस बंदे ने 100 रुपए लगाया उसने 2,00,000 रुपए लिए 2000 तक, और जिस बंदे ने 1,00,000 का ट्रेड लगाया उसने 2 CR लिए। ओके, ये कैलकुलेशन है, जो लोग ट्रेडिंग करेंगे उनको ये कैलकुलेशन पता चलेगा। तो जैसे कि वापस हम देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी छोड़ना है 1-2, ये देखिए लास्ट वाली लाइन, हम सेल में आ गए और जैसे ये 2 ग्रीन हुई यहां से हम बाय लिए, 14 नवंबर को बाय किए, और लास्ट वाली लाइन बोलती है भैया टिके रहो, अभी तक टिके रहो बता रही है मार्केट। तो भैया 1945 से 2150 मारे, कितना पॉइंट हो गया, 300 पॉइंट। 1945 मतलब 2200, ओके, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट जनरेट हुआ। और एक ईयरली मतलब 2070 का जो हाई था उसको तोड़ के भैया सुबह गैप अप में खुल के मार्केट अपसाइड गई। ओके, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है पोजीशन ट्रेड एंड स्कैल्पिंग। और जब भी ये दोनों चीजें हो गई सेशन में आप ट्रेडिंग कर लिए, अभी अगर आपको ट्रेड करना है तो बूमजैक 7A को निकाल दो और बूमजैक 8A अपना 9A को एक्टिव करो, क्रिएट सिग्नल 10 मिनट 15 मिनट, और 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो, इसमें बड़े बड़े पॉइंट जनरेट होते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में आप प्रॉपर ट्रेड लेके बड़ा पैसा बना सकते हो। 15 मिनट आधा घंटे पे लंबे लंबे ट्रेड आप ले सकते हो, मार्केट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, किस ओर रहेगा ये बताती है। फिलहाल तो अभी जनरेट नहीं है, ये जनरेट हुआ था और हिट भी हो चुका है, 2021 से 71 से एंट्री बोले थे यहाँ पे, यहाँ पे, और मार्केट आई 2064। ओके, तो 1 पॉइंट का SL टीपी लेके चलना है, 1 पॉइंट का SL और 2 पॉइंट का टीपी लेके, 2-2 पॉइंट लेके निकल जाना है मार्केट से। तो यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना है, 1 आवर कैंडल क्लोजिंग को देखना है, मार्केट का डायरेक्शन पकड़ के ही ट्रेड लेना है। अगर डाउन ट्रेंड है तो बाय का ट्रेड नहीं लेना है, सेल का ट्रेड लेना है, अगर अप ट्रेंड है तो सेल का ट्रेड नहीं लेना है, बाय का ट्रेड लेना है। ओके, ये समझ लो पहले। मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हुई, अगर बाकी का अगर कुछ ट्रेडिंग रहता है तो आगे चल के 1-2 मैं ट्रेडिंग लूंगा, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल ट्रेडिंग के अंदर वो सारी चीजें बताई जाए, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, टाइम थोड़ा बढ़ रहा है और वक्त भी काफी हो चुका है। ओके, यासिन सर, सुनील सर, आपका और कोई सवाल है?
सुनील सर। हेलो। यस सर। सर आपका और कोई सवाल है? क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है सर। जी, और कोई सवाल नहीं, पर मैं चाहूंगा जो टीम मेंबर जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उन लोग वो से रिक्वेस्ट है कि वो डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन है प्लीज कर लीजिए। आज ये ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए हो रहा है, तो आपको जो भी इंडिकेटर लगाने में समझने में दिक्कत आ रही है, मेरे जितने भी डाउनलाइन या जो भी टीम मेंबर्स हैं प्लीज अपने हैंड रेस करके जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आज के दिन, क्योंकि कल से हम चाहेंगे कि आप भी ट्रेड ले और प्रॉफिट करें बूमजैक इंडिकेटर को यूज करके। ओवर टू यू सर। ठीक, थैंक यू। यस सर यस सर यस सर। सुनील सर का हैंड रेस के ऊपर ही रहने दूंगा क्योंकि, और सुनील सर को मुझे सुनील सर से और भी सुनना है। श्री किशन जी। यस सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। श्री किशन जी हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ आप लोग मेरा आवाज सुन रहे हैं ना? यस सर क्लियर सुन रहे सर आपका आवाज। यस सर बोलिए सर कैसे हैं। सॉरी। जी सर बोलिए सर। हाँ तो अभी जैसा कि अभी सर ने बताया है बहुत बढ़िया, अभी इंडिकेटर मैं आज ही ज्वाइन हो गया हूँ, मेरे अप्लायंस ज्ञानोबा सागर है। जी। हाँ तो बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर ऐसा लग रहे हैं। तो मुझे सर से एक सवाल है कि अगर चालू मार्केट में अगर एक आधा ट्रेड लगा के अगर प्रॉफिट वगैरह जनरेट बता देंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। यासिन सर सर का सवाल है कि चालू मार्केट में आप ट्रेड लगा दीजिए। जी कुछ जरा अभी मोमेंट कुछ मिला नहीं है, मैं बताता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी लाइव मार्केट में अभी कि अगर ये ब्रेक करता है, देखो ये मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले, हाँ 2071 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर का टारगेट ये रहेगा पहला और ये दूसरा। ओके, तो अभी जो भी है सेलिंग प्रेशर है और फंडामेंटल बुलिश बता रही है, तो थोड़ा वेट करो, जैसे मोमेंट मिलता है मैं बताता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। ओके ओके। तो सर सबका सवाल यही है यशिन सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू। एक मिनट गुरुजी, जो लोग अभी नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं है कि वीकली में पूरे वीक के अंदर 2 दिन में ऐसे एनालिसिस ग्रुप के अंदर डालता हूँ। अभी जो लोग जुड़े हैं उनको तो पता है और उन्होंने उस एनालिसिस का फायदा भी लिया है। तो पिछले वीक में मैंने 2 ऐसे एनालिसिस दिए जिसमें कम से कम 100+ पॉइंट लोगों ने जनरेट किए पोजीशन ट्रेड लेके। ओके, तो जो जो लोग एडमिशन लिए हैं उन कुछ लोगों के नंबर मेरे पास आए हैं, जिनके नहीं आए हैं वापस से मुझे रिपीट कर दीजिए, उनको मेरे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं वॉइस में डालता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ तक जा सकता है। तो आपको करना क्या है, मार्केट का पूरा डायरेक्शन का एनालिसिस मेरे ग्रुप के अंदर मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और लोगों ने किए भी है, जो नए लोग जुड़े हैं उनको पता है सर। ओके, तो जो अभी जुड़ चुके हैं तो इनके भी नंबर्स मेरे ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐड हुए हैं और ऐड होना चालू है, तो जो एडमिशन लो चुके हैं उनको ही उस ग्रुप के अंदर मैं ऐड करता हूँ और पूरे वीक का एनालिसिस देता हूँ, जिससे $100 रख के बंदा $150-$200 बना सकता है। ओके, और सेकंड थिंग, कंपाउंडिंग प्लानिंग के अंदर आने के लिए किसको जबरदस्ती नहीं है, जो आना चाहता है वो आ सकता है। ओके, नहीं आना चाहता है तो हर महीना रिचार्ज करे और पैसा कमाए। ओके, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू यशिन सर। दोस्तों वेट करें, सभी की इच्छा पूरी होगी। सभी का एक ही सवाल था कि यशिन सर अभी यहाँ पे ट्रेड करके हमें प्रॉफिट निकाल के दिखाए। ये सभी लोगों की इच्छा है। तो मार्केट का जैसा मोमेंट उनको लगता है तो वो जरूर यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। और किसी के कुछ सवाल है तो प्लीज हैंड राइज करिए।
देखिए, आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक क्लियर कैसे होंगे? यस 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 यस, अब्दुल हुसैन सर। यस सर, अब्दुल सर, वेलकम सर। यस सर, सर से एक से आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है आपका। सर सर मेरी आपका, आवाज प्रॉपर आ रही है अभी आपको? हाँ अब आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, वॉइस का कुछ है ना? सर ये खाली इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा था सर, जैसे यासिन सर वो सारा प्रैक्टिशन तो बताए हुए कैसे क्या करने का, एक छोटी छोटी वीडियो मिल जाती सर नए बंदे के लिए, जैसा कि अगर शुरुआत में इंडिकेटर चालू करने के बाद अपने को सिर्फ दो इंडिकेटर फॉलो करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये बस इतना करके निकल जाए वीकली के लिए, एक बूम जैक अपने को दो 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 सॉरी सबको दो बूम जैक यूज करने का है, वो बूम जैक को खाली ही फॉलो करना है, मतलब छोटा दो बूम जैक के साथ में मतलब दो इंडिकेटर के साथ में ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉफिट करके निकल जाना है आपको, ये क्लोज हो गया। सेकंड वीडियो बनाते सर कि जैसे कि सेकंड सपोज वीकली रेंज वाला जो हमारा है मतलब अगर लॉन्ग टाइम रुकना है मार्केट में, तो एक छोटी सी उसकी वीडियो, क्योंकि लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए सर, और बार बार समझाना पड़ रहा है ना लोगों को, तो वो टाइम जा रहा है सर इसके लिए। जी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है सर, वीडियो पे भी काम चल रहा है, और आप तक थैंक यू सर। बुमजैक बट इसमें का हाँ ये क्या यूज। रीजन, यस एक सर मिनट सर बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, हाँ सर, बस वही वही पॉइंट रख रहा था सर, बस की आवाज कट जा रही थोड़ी। ओके, तो सर एक्चुअली क्या है कि उसके ऊपर भी काम चल रहा है, वीडियो पे भी काम चल रहा है, और आप तक बुमजैक का बहुत जो YouTube चैनल का जो लिंक है आप तक आया होगा, प्लीज आप उस लिंक को आप हाँ आया है सब्सक्राइब सर, करके आया। रखिए। हाँ, ये सब्सक्राइब कर दीजिए, उसपे जो भी नया वीडियो जी आएगा सर वो पहला आपको वहां पे शो होगा YouTube में, तो इसके लिए बराबर चैनल को बराबर आप चलेगा सब्सक्राइब कर सर। दीजिए, हाँ हाँ सर, ओके सर, थैंक यू तो सर, वहां से भी आपको अपडेट मिलेगा सर। बराबर परफेक्ट सर, थैंक यू सर। यस सर, यस सर। अब्दुल सर, और आपका कोई सवाल है? नहीं सर, बस यही बोलना चाहूंगा, जैसा कि आपने YouTube का चैनल का सर, उसमें कैसे तो अपना लाइफ में मतलब सिग्नल ए टी का तो परफेक्ट बताता है कैसे काम करता है, लेकिन एक छोटा सा जैसे होता है ना सर 3 मिनट की वीडियो एक बन जाए सर, कि एग्जैक्ट अपने को नए बंदे के लिए भी मिल जाए कि भाई बूम जैक ऐसा काम करता है, अपने को ये सिर्फ फॉलो करना है और वेट करना है बस इतना सा, फिर सेकेंड वीकली वाला बाकी कुछ नहीं सर, यही करेंगे कि नए लोग को ना सर, दो चार लोग को अभी तो मालूम ही नहीं पड़ा कि ये कैसे काम कैसे कर रहा है, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है वहां पे, तो वो थोड़ा जी थोड़ा जी जी टाइम जी लगेगा सर तो समझने में, लेकिन अगर बार बार वीडियो देखेंगे ना सर तो माइंड में बैठ ही जाएगा कि नहीं सर यासिन सर ने ये बोला, ये चीज टाइम फ्रेम देखने का, इतने टाइम का कैंडल देखने का और ये वॉच करने का, उसके बाद छोड़ देने का सर टीपी लगा के कुछ नहीं करने का, तो वो छोटा सा डेमो मिल जाएगा ना सर, बस हो गया। थैंक ओके ओके सर, उसके ऊपर काम चल रहा है, आपको जल्दी मिल यू जाएगा सर, सर। बस बस, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर। और जी, थैंक यू। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अपना बुमजैक का जो YouTube चैनल का जो लिंक है आप तक आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप उसका लिंक मंगा लीजिए, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक मिलेगा, अपडेट आपको उसके YouTube के माध्यम से भी आप तक अपडेट आते रहेगा। तो और किसी का कुछ सवाल है जब तक मार्केट का मोमेंट सर चेक कर रहे हैं? मैं यहाँ पे कल सर ने मुझे सिराज सर, सिराज मोमेन सर, मैंने सर को रोक दिया था, तो मैं यहाँ पे आज सिराज मोमेन सर को यहाँ पे आज अनम्यूट करता हूँ, जो कल ही सर का एडमिशन हुआ है। यस सर, सिराज सर। उसमें यही बता रहा था कल की, कल ही एडमिशन किया था, तो ये कैसे यूज करना है इसके बारे में बताना था। आपने बताया था कि कल मीटिंग में सब बताया जाएगा, लेकिन अभी तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब्दुल सर ने अभी बताया कि ऐसा कुछ वीडियो बनाओ जिससे जिसका यूज करके हम लोग यूज कर सके। जी 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 सर,
सर एक्चुअली क्या है, अपन लोग रेगुलर 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 मीटिंग में आएंगे ना, तो वो भी क्लियर होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो हम लोग ने जो ट्रेनिंग रखा है, उसका कारण ही ये है कि कोई भी अपना व्यक्ति अपने सिस्टम में आने के बाद में, बुमचक के आने के बाद में, कोई भी व्यक्ति अनाड़ी ना रहे, मतलब सॉरी मेरा मीनिंग उस तौर में नहीं है, सब लोग यहाँ पे सीखे और लॉस ना जाए, ये हमारा मकसद है। इसलिए हम लोग मीटिंग को, ट्रेनिंग को कंटिन्यू 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 करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग आने वाले टाइम में भी एक रेगुलर मीटिंग भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि जब भी हम लोग मीटिंग में बैठेंगे तो पेन और अगर डायरी लेके बैठते हैं और नोट डाउन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग जल्दी सीख सीख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब सवाल, हर एक व्यक्ति के सवाल अलग अलग जरूर होते हैं, मगर घूम फिर के फिर वही आ जाते हैं, तो उसमें से भी हमें कौन सा सवाल क्लियर हुआ है ये भी समझ में आ जाता है, और उसमें अपना भी सवाल क्लियर हो जाता है। तो विशाल जी को यहाँ पे मैं अनम्यूट करूंगा अभी। विशाल जी, वेलकम। विशाल जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। ये पूछना चाह रहा था कि जो अपन लास्ट एनालिसिस लेते हैं सारे, जैसे अपन 1 घंटे का, 1 दिन का, वीक का ले ही रहे हैं, तो अपन कोई मतलब जैसे मार्केट चालू हो रहा है, अपन को ट्रेड लेना है, तो अपन कितना मतलब वेट करें, 1 घंटे, 2 घंटे, या फिर आधे घंटे, या फिर मतलब कोई वो है क्या मतलब टाइम? सर आपका आवाज एकदम स्लो आ रहा है थोड़ा सा। लगा लेता हूँ। हेलो, अब आ रही सर आवाज? यस सर, अब आ रही है सर क्लियर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सुबह में जैसे मार्केट चालू होता है, मेरे को मार्केट में बैठना है, मार्केट में पहले तो पुराना एनालिसिस करूं मैं कि लास्ट टाइम का जो भी एनालिसिस है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मतलब मार्केट में बैठने से पहले कुछ वेट करना चाहिए क्या? मतलब छोटा सा मतलब एक क्वेश्चन था कि आधे घंटे, 1 घंटे, या फिर अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कहाँ है? हेलो सर थोड़ा थोड़ा वेट करना चाहिए जी। अच्छा ये सर, वो मोस्टली ये देखा है कि एशियन टाइम में मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे उतरता है, तो बाकी लंदन और ये न्यूयॉर्क सेशन में तो है ही कि मतलब मार्केट जहाँ जा रहा है वहां बैठ सकते हैं अपन, पर सुबह सुबह जो एशियन सेशन होता है उसमें बैठते टाइम ही थोड़ा सा लगता है कि अपन अप ट्रेंड में बैठे और डाउन ट्रेंड चला गया, ये वाली चीज होती है। बाकी जो एंट्री पॉइंट है वो तो अपन एंट्री पॉइंट पे तो चलते ही हैं। सर मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ कि जैसा कि सर ने बहुत बढ़िया कहा कि अप ट्रेंड में बैठेंगे तो डाउन ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड में बैठे हैं तो अप ट्रेंड चला, ये इसे कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक पता है, मैं बता रहा हूँ कि भैया एशिया वाले इतने बजे आते हैं अपने कंट्री का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए, गोल्ड को खरीदते और बेचते हैं, और उसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना अब जाता है, इसके बाद वहां से रिट्रेसमेंट ले लेता है। अभी मैंने आपको ओपन होने का टाइम बता दिया, वैल्यूम का टाइम बता दिया कि भाई ये टाइम में वैल्यूम आता है तो मार्केट सेल में क्यों जाएगी। अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि सेल में जाएगी तो आप पूरे महीने का रिपोर्ट निकाल के देखो ना, आपको कितना परसेंट सेल में गई है मार्केट एशिया ओपन होते ही और कितना परसेंट बाय में गई है, आपको जवाब मिल जाएगा। जब आप उस चीज के ऊपर ऑब्जर्व करके खेलेंगे नहीं तो आपको कैसा पता चलेगा कि मुझे कितना देर बाय में बैठना है, कितना देर सेल में बैठना है। तो मोस्टली ऑफ द सेशन के अंदर मार्केट के अंदर वैल्यूम आता है और वैल्यूम जाता है, ये दोनों चीजें होती हैं। अगर 12 घंटे पहले मार्केट अप गया है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। आप देख लो आज एशिया मार्केट अप गया और जो लंदन और न्यूयॉर्क नीचे ही जा रहा है। ओके, तो ये तीन कंट्री में पैसा घूमते रहता है, अपने अपने कंट्री के लोग अपने अपने टाइम में घुसते हैं। अगर पिछले 24 घंटे पहले मार्केट नीचे था, दूसरे दिन मार्केट अप गया एशिया में और लंदन में अप गया, तो सेकंड थिंग
जो पीछे जो न्यूयॉर्क वाले ने पैसा लगाया, अगर उनका प्रॉफिट दिखा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे? तो करेंगे ना, तो प्रॉफिट बुक करेंगे मतलब बेचेंगे, तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये चीजों को हमें ऑब्जर्व करनी है, इससे हमें खेलना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ कैंडल में पड़े हैं। तो फंडामेंटल साइकोलॉजी को कौन देखेगा? उसको भी तो हमें देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया उस दिन मीटिंग में, बताया मैं कल संडे के मीटिंग में, हमने खुद बताया, सवाल बहुत सारे लोगों ने किया कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो हमने यही कहा कि पूरी दुनिया जब सेल में बैठेगी तो मार्केट अपसाइड जाएगी, ऊपर का टारगेट 2021 है। कितने लोगों ने ट्रेड लगाया बताइए मुझे? जवाब ही नहीं है। और किसी ने खुशी से ये भी नहीं बोला कि भैया 2021 तक का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। सर थैंक यू, तो थैंक यू योर वर्ड। अच्छा मैंने एनालिसिस दिया हूँ, टेक्निकल चीजें बोला हूँ और फॉलो नहीं किया। सवाल आपके हजारों आएंगे, पर खेलना आपको है, सीखना होगा। हर एक स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करके सीखना होगा, खेलना होगा, सेशन को फॉलो करना होगा, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। अभी आपके यहाँ पे मैं लाइव दिखा रहा हूँ, यूएस ऑयल सॉरी गोल्ड गोल्ड। मैंने आपको बोला कि भाई दो 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 ग्रीन हुआ तो बाय मारो, दो रेड हुआ तो सेल मारो। आपके सामने ये देखिए भाई, ये दो ग्रीन हुआ 15 मिनट पे बाय मारे, और ये दो रेड हुआ सेल मारे। कितने ट्रेड हो गए यहाँ पे आपके? लास्ट वाली लाइन रेड है, बरबर। तो इतनी चीजें सेशन में आपको फॉलो करनी है, और क्या करना है। इतना भी आपको नहीं होता है तो बेहतर है कि भैया ट्रेडिंग का काम छोड़ दो, केले की गाड़ी डालो, उसमें 2 पैसा कमा लोगे। क्योंकि सुबह से शाम तक लोग प्रॉफिट बना लेंगे, लोग बनाते हैं और शाम के मार्केट में गवा देते हैं। तो सीखना जरूरी है और मास्टर बनना जरूरी है। मास्टर बनने के लिए आप कितना उस मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपके ऊपर है सर। ओके, नहीं तो हर महीने ओके आपके रिचार्ज खत्म होते रहेंगे और पैकेज आप मारते रहोगे। ओके गुरु जी, यस 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 विशाल जी। जी हाँ सर, थैंक जी जी तो यू सर। यस यस आप कंटिन्यू 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 करते रहिए, एकदम मास्टर बनेंगे आप। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे अनम्यूट करूंगा विजय मालिया सर को। विजय मालिया सर, विजय मालिया सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? यस आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। हाँ, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सर। सर। मेरा कोई डाउट्स नहीं है, मैं इस इंडिकेटर से जैसा मेरा है वैसा टारगेट हो रहा है मेरा, और मैं रोज का 15-15 निकल रहा हूँ पॉइंट। ओके ओके क्या बात है। हाँ, और आज थोड़ा मेरा मिसहैंडलिंग हो गया, तो मार्केट दिखा रहा था आधे घंटे में बाय को ही, और मैंने लगाया बाय को बरोबर। उसके बाद सर मार्केट पूरा सेल पे आया पूरा, तो उसपे मेरे को मौका ही नहीं मिला कि इसमें से ट्रेड निकाल लूँ। मैं बोला जाएगा, और तो एक ट्रेड वो मिस हो गया। उसके बाद मैंने तो भी 25 दो ट्रेड लगा के $25 निकाले मैं, 25-26 डॉलर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाकी कोई यस डाउट नहीं, इंडिकेटर में बहुत अच्छा काम करता है इंडिकेटर। और मैं सबसे तो यही कहना चाहता हूँ कि इतने 3,000 रुपये में कोई इतना नॉलेज देता नहीं है, और किधर अभी तक ऐसी मैंने जानकारी मिली नहीं मुझे। तो जी 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 सही बात है सर। लोगों को मेरे को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। यस विजय यस भाई, आप जल्द से जल्द अपना एकेडमी अकाउंट क्रिएट कर लो, और कंपाउंडिंग के लिए हम साथ में बैठेंगे सर। और मैं $100 से स्टार्ट करना चाहूंगा सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, करो स्टार्ट ओके थैंक सर। ओके सर। यू, थैंक यू विजय माल्या जी। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि जैसे कि याशिन सर बोलते हैं कि हमें
एक पॉइंट का मास्टर बनना है, एक पॉइंट का मास्टर बनना है, एक पॉइंट का मास्टर बनना है। हम लोग यहाँ पर बड़ा प्लानिंग करने के लिए आए हैं। रियली मैं बोलता हूँ कि आने वाला जो हमारा प्लानिंग है, ये आज का जो मीटिंग लेने का जो हमारा जो मकसद है, ये हमारा मकसद है कि हमें 20 लोगों को लाइव ट्रेडिंग में बिठाना है। 20 लोगों को लाइव, मतलब 20 लोग लाइव बैठेंगे। एक सेशन हम लोग तय करेंगे कि ये सेशन में हमें बैठना है, और वो सेशन में बैठ के हमें वो एक पॉइंट दो पॉइंट लेना है। जो लॉट साइज होगा वो यशिन सर बताते जाएंगे, हम लोग चेंज करते जाएंगे, लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 30 ट्रेड हमें कंप्लीट करने हैं, 20 लोगों को लेके, चाहे 20 लोग हो चाहे 25 लोग हो, ये हमारा टारगेट है। और आने वाले टाइम में हमें कम से कम एटलीस्ट 20 लोगों को तो वो 40 लाख रुपए तक पहुंचाना ही है, ये हमारा टारगेट है। जैसा मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर आपका उसमें नॉलेज कम भी होगा, देखिए आपके सामने अगर आईना होगा और वो आईने में आपको आप दिखते हो तो क्लियर दिखो, मतलब आईने में क्लियर दिखोगे आप, तो इसी तरह वहां पे याशिन सर रहेंगे, बोलेंगे आप ट्रेड लगाओ, क्लोज करो। तो लाइव हम लोग सब लोग बैठेंगे और एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। ये मीटिंग जो था आज का, उसी लिए हमने रखा था ट्रेनिंग मीटिंग, ताकि आने वाले टाइम में आप बुमजक का हिस्सा बन के अपना केवाईसी करके 40 लाख का जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए हम लोग सभी लोग इकट्ठा जमा हुए और वो टारगेट को हिट करें। ठीक है यशिन सर, और किसी का कुछ सवाल है? ठीक है, नए लोग जो भी है प्लीज, मुझे पता नहीं है नए लोग, तो आप अपना हैंड रेज करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको मौका दूंगा बोलने के लिए। मैं यहाँ पे फिर से सुनील सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। सुनील सर आप प्लीज आप नाम मुझे बता दे जाए, मैं उनको अनम्यूट करते जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं है कि यहाँ पे लोग शर्माते क्यों है, नए लोग क्यों शर्माते। अभी आप जो अभी लाइव मीटिंग अभी अभी आप सवाल पूछिए, अभी सवाल पूछिए आप, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाइए आप। 70 ब्रेक करता है हमारा एसएल रहेगा 68 का स्टॉप लॉस है, आप टारगेट 72 and 78 तक आप ले सकते हो। अभी ये न्यू कैंडल की ओपनिंग अपसाइड होती है तो हम बाय साइड जाएंगे, नहीं होती है तो हम डाउन साइड। अब ये जो है ये जो सर्कल है अगर ये ब्रेक करता है ओके ये तो मार्केट आपको यहां दिखेगा, नहीं करता है तो यहां से रिट्रेसमेंट लेंगे। अभी मैं आपको ये बेटा बूम जैक 7A तो यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। पूरे दिन का ब्रेकआउट एरिया है जो ब्रेक नहीं हुआ, ये पूरा ब्रेकआउट एरिया है, ये हमें लाइव दिख रहा है ओके। तो इससे अगर नीचे आई तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से आप सेल में जा सकते हो, पर ये इसका सपोर्ट ले रही है, इसको ब्रेक नहीं कर रही है, कंटिन्यू। तो ये अगर इसके ऊपर जाती है 2071 के ऊपर तो हमारा टारगेट है 2076 ओके। चलो आगे बढ़ते सर, यस सर, यस सर, जैसा आपको लगे मौका मिले आपको तो जरूर आप ट्रेड लगा के दिखाए। ठीक है, कावले सर का कुछ सवाल है? यस सर। सर जैसा कि अभी यासिन सर ने बताया है कि साइकोलॉजी, ये जो मार्केट है तो मार्केट कहीं पे भी भाग्य नहीं जाने वाला है, जो जो सीखना है तो हमें सीखना है, सही बात है सर? यस 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 हाँ। और ये जो सॉफ्टवेयर है,
सर आपका माइक म्यूट हुआ है क्या? सर का माइक शायद म्यूट हुआ है, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके चलिए दोस्तों, और ओके सर आपका रेंज कम ज्यादा हो रहे हैं, आपका रेंज कम ज्यादा हो रहे हैं सर, कावले सर। सर टाइम ज्यादा हो रहा है। ओके मैं यहाँ पे फिर से एक बार इनवाइट करूंगा सुनील पटेल सर को, क्योंकि सुनील पटेल सर के टीम से अभी एडमिशन हुए हैं, तो जिनको भी आप बोलने का मौका दे तो आप उनको बोल सकते सर, आप यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाएगा। जी सर नमस्कार। न्यू जॉइनिंग में विनोद कुमार सिंह है, अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। उनका जी ओके उनका हैंड रेज है सर, उनको ही बोलने का मौका दे दीजिए। यस सर, यस सर, विनोद कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ वेलकम सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही सर, सर आवाज आ हेलो, रहा है मगर एकदम स्लो आ रहा है सर। अभी है हेलो। हाँ अभी 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 क्लियर हाँ है सर, ठीक है बोलिए। सर। हाँ तो सर अभी तो मेरी आज ही ज्वाइनिंग हुई है और ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये कि आपने अभी थोड़ी देर बोला कि एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें 20 लोगों को लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कराएंगे, तो सर बाई सेल तो हर आदमी जानता है, तो इस प्रोग्राम को चालू कर दीजिए सर, ना हो तो जो भी अमाउंट बोलेंगे आप इतने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके लिए आप अपने सीनियर के पास में नाम दे दीजिए हाँ और तो आपको एडमिन किसी कांटेक्ट करके उसका आपका केवाईसी करा लेंगे। तो सुनील सर के पास में आप हाँ सुनील सर क्योंकि के इतना माध्यम बाई से आप सेल केवाईसी करा लीजिए सर। हमें नहीं लगता जितने लोग बैठे हुए हैं 42 लोग, वो बाई सेल मतलब ट्रेड लगाना और ट्रेड क्लोज करना नहीं जानते होंगे सर, तो ये तो प्रोग्राम तुरंत चालू किया जा सकता है सर इसके लिए, तो जब सर सर इसको सिग्नल देकर इसको ऑपरेट कराएंगे तो दिक्कत कैसी किस बात की सर। जी, नहीं मगर बहुत सारे लोगों को लगता है ना, अगर गया तो वो $100 भी अरे गया, तो आज तक उनका अरे 1-1 हजार डॉलर गया, 5-5 हजार, 10-10 डॉलर गया। मैं बोलता हूँ कि अरे अगर सर आपने $100 यहाँ पे खेले तो हाँ आएगा आपको कितना, आप पहुंचोगे कहाँ तक, 40 लाख तक पहुंचोगे, लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सर पाँच सौ प्लानिंग में डॉलर का आप भी जी 500 डॉलर का रिस्क तो लिया जा सकता है, ऐसे कोई वैसी कोई इतना बड़ा चीज नहीं है सर इस चीज को। सर से जी बोलिए जी प्रोग्राम जी शुरू करें सर, उसको कम्युनिटी वाला प्रोग्राम शुरू करें, उसमें देर ना करें, जो भी आपको 10 दिन 5 दिन जो भी समय लग रहा है ले लीजिए, लेकिन शुरू कराइए जल्दी सर उसको। सभी साथियों से मैं कहूंगा कि जो हमारा प्लानिंग का पीडीएफ है सीनियर के माध्यम से मांग के ले, सीनियर के माध्यम से, और उस प्लानिंग की वीडियो को पूरा देखे, ओके पूरा देखे, अच्छे से रीड करें, अच्छे से रीड करें, प्लानिंग क्या है, गोल्ड प्लानिंग क्या है, डायमंड प्लानिंग क्या है, इसको अच्छे से समझे, ओके समझने के बाद डिसीजन ले कि पर्सनल ट्रेड बन के करोड़पति बनना है या अकेडमी के प्लानिंग के अंदर हमें सर कम्युनिटी के अंदर आके सेटल होना है, तो प्लानिंग अकाडमी के अंदर सेटल होना है सर। यस सर, प्लानिंग को अच्छे से रीड करिए, जो हमारा है मतलब क्या बोलते हैं पीडीएफ प्लान प्रेजेंटेशन एंड बूमजैक प्लानिंग, तो वो सीनियर के माध्यम से आप ले लीजिए सर, ओके। अगर 20 आदमी भी अगर 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए कमा लिए सर, जो भी आपने समय पीरियड रखा होगा, तो पूरा मार्केट में तो हल्का मच जाएगा सर, फिर सब लोग बिना देखे उस अमाउंट को देखकर ज्वाइन करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे सर। सर दिस इज अ नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ओनली एजुकेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर बनकर हम काम कर रहे हैं, ओके इज एजुकेशन ऑल मार्केट में यूज हो रहा है, आपको किस मार्केट में यूज करना है यूज करो, पैसे कमाओ। प्लानिंग में आना है तो आपका और कंपनी का ये पर्सनल ये चीजें हैं जिसके तहत आप काम करने वाले हो, ओके तो डिपॉजिट डिपॉजिट बोनस
बोनस, बाद में डिवाइडेशन, वो सारा चीज मैंने पीडीएफ में डाला है, उसको अच्छे से रीड करिए और मैच करिए। आपको समझ में आता है तो प्लानिंग में आइए, नहीं तो एंजॉय करिए अपने दुनिया में सॉफ्टवेयर। नहीं सर, प्लानिंग देखा है सर, ठीक है, प्लानिंग समझ में आया सर उस चीज को। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। विनोद सर, सुनील सर, विनोद सर का नाम आप ले लीजिए और विनोद सर का केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए सर आप। ओके, थैंक यू विनोद सर। और आपका यहाँ पे बुमजे कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे आए हैं, आपने एडमिशन लिया है, ऊपर वाला आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरे करे, हर टारगेट पूरा करे। ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, यही चाहते हैं सर। यस यस, 100% यस। और किसी का कुछ सवाल है? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मोहम्मद जुबेर सर, मोहम्मद जुबेर सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। गुड, शुक्रिया सर अनम्यूट करने के लिए। जी 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 सर, जी सर, आपका कोई भी टेक्निकल सवाल है या आप कुछ नहीं सर, बोलना मेरा चाहते टेक्निकल हैं, सवाल बताना नहीं है, चाहते सारे हैं? एनालिसिस, नहीं सर, जो यासीन सर ने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग सारे एनालिसिस परफेक्ट बैठते हैं, तो फिर कोई क्वेरी तो है ही नहीं जो हम सवाल पूछे, क्योंकि उन्होंने अभी सडनली बोला था जैसे कि अगर इस कैंडल को ब्रेक करता है तो यही पॉइंट तो समझने हैं सारी चीजें। अभी उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, सारे जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनको भी समझ में आ गई होगी, अभी लाइव चल रहा है सब कुछ, तो यही मार्केट को डायरेक्टली, मार्केट के अंदर ना घुसे, मार्केट को पहले समझ लें। सबसे पहले डायरेक्टली लोग क्या करते हैं कि आते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट से अब पैसा कमा लें हम सीधे सीधे, तो वो चीज तो हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप गवा देंगे, कोई भी बंदा अगर है डायरेक्ट पैसा घुसेड़ेगा तो उसका चला ही जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा चीजों को, समझना है पहले कि मार्केट के अंदर पैसा बनेगा कैसे। तो मोस्टली जितने भी हमारे इसके अंदर मेंबर हैं वो सब जो न्यू टाइप के हैं, जिनके क्वेश्चन होंगे भी या फिर जो भी नए आ रहे हैं, तो मेरा उनसे सुझाव यही है कि पहले मार्केट को समझ लें, और ये सर के जो बनाए हुए जो इसमें ट्रेडिंग व्यू पे जो ऐप है जो हम लगाते हैं इसको सबको पॉइंटों को, तो इनको सबसे मोस्ट ये है कि आप जो टाइम टेबल है उसको टाइम टेबल के हिसाब से, सेकेंडरी ये है कि आप पहले डेमो ही करें, जैसे राजनाथ सर ने भी बोला था कि डेमो पे करिए, डेमो पे करने से आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन एक उससे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप लोगों का, तो एक्सपीरियंस बढ़ना बहुत जरूरी है, कि हम उसमें हमारा नुकसान होगा तो हमें पता है कि हाँ अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, क्योंकि हमारा लेवल अप होगा, जी तो जी जी सारी सर, चीजें। हाँ, तो सबसे बड़ा यही है कि आप सारे लोग जो न्यू यूजर्स हैं तो अभी पैसा अपना ना डाल के पहले एक हफ्ता 10 दिन जैसा सर बताते हैं कि पहले आप एक्सप्लेन करें उसके अंदर सारा ट्रेडिंग को समझ लें, उसके बाद अपना पैसा लगाएं, और जैसा कि सर ने बताया था कि अगर इसके अंदर आप ज्वाइन होते हैं बूम जैक में वर्स वाले प्लान में, जो भी बताया था मैं भूल गया कौन सा वाला सर का, तो उसमें अगर आप जी ज्वाइन जी होते हैं तो फिर बढ़िया रहेगा, उसके अंदर सब लोग मिलके करोड़पति बनेंगे, कुछ तो लखपति हंड्रेड बनेंगे, कुछ तो परसेंट करोड़पति बनेंगे, यही मेरी मनोकामना है। यस वैसे यस दिन पे यस दिन इसमें कहते हैं सर ज्वाइन काफी लोग होते चले जा रहे हैं, तो ये बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमारे लोगों का खुश नसीब है कि जो पहले से ज्वाइन हो गए, आने वाले टाइम में कि हम लोगों को गिनती अलग लेवल पे होगी, जो नए आएंगे उनकी अलग होगी, तो इसका मुझे तो बहुत दिल से खुशी है कि पहले से ज्वाइन हो गए इसमें। बहुत बहुत सही बात है सर, एकदम सही बात है। हम लोग देख रहे हैं कि ये सिस्टम किस तरह से मार्केट में बूम कर रहा है। वही चीज बता रहा हूँ और सर, देखते देखते अभी 10 दिन के अंदर पहले हमारे कितने कम यूजर्स थे, अब लेवल अप होता चला जा रहा है, तो मैं वही बता रहा हूँ जिस तरीके से मार्केट, ये स्ट्रेटजी जो है ना हमारी ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ये बहुत सुपर फास्ट वाली है, बस क्या है कि इसको समझना है, लोगों के क्वेश्चन तो बहुत है निगेटिव टाइप के ही है, बट ये निगेटिव नहीं है, अगर इसको पॉजिटिव वे में सोचे तो आप एक पॉइंटों को लेके चले, जो पॉइंट है उसमें सबसे मेन जो हमारे सर ने बताया टाइम टेबल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रखी है, उसको पकड़ लें सबसे पहले, तो वही है जो हमारा 9A वाला बताया सर ने, उसको पकड़े, वो वहां पे सिग्नल जनरेट कर रहा है साफ साफ वहां पे कि आपको कब करना है कब नहीं करना, दूसरा टाइम टेबल है उसके अंदर, तो आसानी से पॉइंट बनेंगे, बहुत आसानी से, लोगों को तो वैसी दिक्कत नहीं होगी, बस क्या है कि आप इसमें हाइपर ना हो और डिमोटिवेट मत हुई है कि आपके पैसे चले गए, तो आप पैसा ना डाल के सीधे डेमो करें, एक हफ्ता दें बस अपना इसके अंदर,
एक हफ्ते में बिलीव करिएगा सारे लोग अपना बनाने लगेंगे इसमें पैसा। रियलिटी है इस बात की, क्योंकि मैं पहले गवा रहा था सर, मैं सच बता रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंस तो था मुझे, लेकिन एक परफेक्टली जो टाइमिंग होती थी बिल्कुल नहीं पता था कि कहाँ पे कब क्या होता है, तो ये सर ने बहुत अच्छा बताया। दूसरा, हमारा जो 8A वाला बूम जैक का सिग्नल है वो हमें वहां पे सीधे सीधे साफ साफ बताता है। फर्स्ट सिग्नल जो थ्री लाइन जो है वो साफ साफ वहां पे जनरेट कर रही है कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, वहां पे क्या है, आपको वहां पे एनालाइज ऑटोमेटिक ही हो जाए। किसी को बताने की, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी सर वहां पे जनरेट करते रहते हैं कि यहाँ पे अभी लगा लो, यहाँ पे सिग्नल आएगा। वॉइस भी भेजते हैं वो अपनी। जी 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 सर, सर इतने कम लोग मार्केट में लाखों रुपए लेते हैं, मगर यहाँ पे इतने कम अमाउंट में जो सर्विस दे रहे हैं याशिन सर, मुझे नहीं लगता कि इतने कम अमाउंट में डिवाइडेशन करके भी इतना जबरदस्त सर्विस दे रहे हैं। यस सुनील सर, वेलकम सुनील सर। यस सर, नेक्स्ट मैं चाहूंगा, यहाँ पर हमारे यहाँ पे आसिफ सर है जो एक्चुअली काफी दिनों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आसिफ सर ओके अपना हैंड ओके रेज करके आपको कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। आशिफ सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप प्लीज अनम्यूट करें और आपकी बातों पर रखें। यस वेलकम आशिफ, आशिफ सर थैंक यू सर। मेरा बस वेलकम यही सर। क्वेश्चन था, मैं देख रहा हूँ 8 दिन से। अभी जो है राजना सर ने भी बताया था, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि लाइव मार्केट डेमो पर आप ट्रेड कर लेकर बताइए, बस और कुछ नहीं। थोड़ा क्लियरिटी आ जाती थी नए लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कि आप 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से उसको ट्रेड एक्सिक्यूट करते हो प्रॉफिट में। जी, सर अभी वो ब्रेक भी कर दिया है गोल्ड ने, मैं उसी का वेट कर रहा था। 64 का लेवल बताया था सर ने, वो ब्रेक करके 62 पर आ गया है। तो बराबर काम कर रहे हैं सर आपके हिसाब से। हाँ वो तो अपना कर रहा है सर, लेकिन अभी जो 40-45 लोग अपने मीटिंग में बैठे हैं तो उसमें अगर डेमो पर अगर बता देते वहाँ से जूम मीटिंग में, और क्लियर हो जाता दूसरे लोगों के लिए। ओके चलिए, वो भी कोशिश करेंगे आशीष सर। इसके अलावा सर आपका और कुछ सवाल टेक्निकल? नहीं सर, ऐसे टेक्निकल सब ठीक है और अच्छे से काम वर्क कर रहा है इंडिकेटर, धीरे धीरे और रफ हो जाएगा, सीखने में थोड़ा टाइम जाएगा सर। चलिए आप सीखिए सर, हम लोग आपके साथ में पूरा सपोर्ट आपको करेंगे। आप सीखते रहिए, मीटिंग में आते रहे, ट्रेनिंग में आते रहें, और लोगों को आपको अच्छा लगता है तो लोगों को भी आप प्रमोट करते रहें। दूसरी बात मैं ये बताने जा बता रहा हूँ कि सिस्टम, अगर कोई भी अगर सिस्टम हमें अच्छा लगता है तो हम लोग लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आज एक्चुअली यशन सर ने प्लान नहीं बताया है, थोड़ा सा मैं आपको इस पे ये डाल दूँ, एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि जिस तरह से 3,000 आप जैसे एकेडमी के प्लान के अनुसार जो 3,000 का लेते हैं, तो डायरेक्ट रेफर में 1,000 रुपये मिलता है आपको। ये MLM नहीं है, यहाँ पे खाली रेफरल प्रोग्राम किया जा रहा है। डायरेक्ट में आपको 1,000 रुपये मिलता है। अगर मान लीजिए आपने आज शुरू किया, आज अगर आपके 10 लोग, अगर ये महीने में आपने एकेडमी का हिस्सा बनाया आपके डायरेक्ट में, तो अगले महीने वो लोग उसमें से रिन्यू करने वाले हैं, तो ये वो एक आपका इनकम शुरू हो जाता है ट्रेडिंग के अलावा भी, और साथ में बुमजक का भी एक मार्केटिंग हो जाता है और प्रचार हो जाता है। उसके लिए आपको डायरेक्ट रेफर भी यहाँ पे दे रही है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। यस सुनील सर, यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं चाहूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सर है जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रेडिंग में, क्रिप्टो मार्केट में और फॉरेक्स में भी, और बहुत ही बड़े अच्छे लीडर है सर, तो वो अपने मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करवाना चाहूंगा सर आपके माध्यम से।
यस सर, जितेंद्र सर, वेलकम वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप यहाँ पे आए और अपने दो शब्द रखे और आपका अनुभव बताए सर। जितेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। सर मेरा सवाल नहीं था सर, डॉक्टर जितेंद्र सर का सवाल है। हेलो जितेंद्र सर, सर प्लीज। ओके यस सर, जितेंद्र सर वेलकम सर। यस वेलकम एवरीवन, थैंक यू मिस्टर यासीन सर, मिस्टर गुरुजी, मिस्टर सुनील पटेल जी। ट्रेडिंग के मामले में काफी लोग कंफ्यूज तो रहते हैं और जितने बड़े ट्रेडर्स भी रहते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने इंडिकेटर डेवलप किया है इसको सिंपल तरीके से इसको एनालिसिस करे, ठीक है, डेमो पे एनालिसिस करे, मार्केट को जज करे, ठीक है, तो इसकी एक थियरी बनाई जाए मेरे हिसाब से कि लोग कंफ्यूज ना हो इंडिकेटर्स को लेके, ठीक है, इसलिए कि जो नए लोग रहते हैं जो कभी उन्होंने ट्रेडिंग किया नहीं है उनको ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहती है, तो नए लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको कब देखना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये उनके लिए थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला हो जाता है। और जितने भी ऑलरेडी ट्रेडर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं जिनको ट्रेडिंग मतलब बाय सेल करना आता है लेकिन उनको मार्केट में कब जाना है और कब निकलना है, कब एंट्री बाय करनी है, कब एंट्री एग्जिट करनी है, ये उनको थोड़ा नहीं आता है, इसके लिए इंडिकेटर का सहारा लेके वो जो तरीका बनाया है इंडिकेटर्स के, इतने सारे जो इंडिकेटर्स हमको फंडामेंटल के ऊपर दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे है, मतलब मैंने खुद ने इसको रिव्यू देखा है, जज किया है, मैंने भी 5 मिनट से लेके वीकली कैंडल्स को रीड किया है, तो इंडिकेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है। बस एवरी इंडिकेटर को हमें कौन से टाइम फ्रेम पे किस समय मार्केट के अंदर में जाना है उसका एक प्रॉपरली एक इसका एक प्रॉपर एजुकेशन एवरी इंडिकेटर पे एक एक स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये इंडिकेटर क्या काम करने जा रहा है, कौन से लेवल पे काम करने जा रहा है, कौन से मिनट पे ये कौन से टाइम फ्रेम पे ये काम करने जा रहा है, ये लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैं आज की मीटिंग के बाद से रिव्यू दे रहा हूं कि जो अभी भी समझ लीजिए कि इंडिकेटर्स के बारे में सब लोगों को एक दिन के अंदर में नॉलेज नहीं आएगा, इसलिए बेटर है कि एक एक इंडिकेटर क्या काम करता है, 5 मिनट्स पे का कैसे काम करता है, 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे, और डेली पे और वीकली पे, ये पूरा इसको एक इंडिकेटर का एक एक टाइम का हम सेशन कंडक्ट करेंगे कि भाई ये इंडिकेटर पूरा ग्राफ जो है ये इस तरीके से काम करना है, इसको डेमो पे कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी हम अगर प्रॉपरली चैनलाइज से बताते हैं तो लोग उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को देख के उस पे वो सीखना शुरू कर देंगे। इसी तरह एड ऑन इंडिकेटर में आगे से कैसे करना है वो भी हम अगर स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे कि इसके बाद ये इंडिकेटर में ये टाइम फ्रेम पे आपको और ज्यादा चांसेस विनिंग के जो है वो मिलने के चांसेस है, लॉन्ग ट्रेड में, लॉन्ग पोजीशंस में मिलने के ट्रेड है। तो सबसे पहले हमको अभी 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर के रेंज में कौन से इंडिकेटर काम करते हैं ताकि बेसिक लोगों को जो नॉलेज है, थोड़े टाइम मार्केट में जो रहने का उनका टाइम है या सेशन जब मार्केट न्यूयॉर्क मार्केट, सिडनी मार्केट या लंडन मार्केट जब शुरू होती है उस समय एक्चुअली कौन से इंडिकेटर प्रॉपरली हमको काम करना है और कितना टीपी वहां से हिट लेके निकलना है हमको, बस इतना एवरी एवरी इंडिकेटर पे हमको एक एक प्रोग्राम बना के उसको लोगों को इस तरीके से हमको एजुकेट करना है। तो ये एकेडमी के अंदर में एक वो चैनल वे से हम अगर हर एक इंडिकेटर का एक प्रॉपर चैनल वाइज हम उसको शो ऑफ करेंगे कि इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो जितने आने वाले नए जो लोग हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है वो इसको डेमो के अंदर में प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते रहेंगे, और जिनको ट्रेडिंग आती है वो भी डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे या रियल अकाउंट में प्रैक्टिस करेंगे, तो वो 15 दिन में, महीने भर के अंदर मैक्स टू मैक्स जो है वो मास्टर ट्रेडिंग जो है वो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर का प्रॉपर नॉलेज जो होना वो लोगों को जरूरी है। इसके लिए इस मार्केट में थोड़ा ग्रीड बन जाता है लोगों का कि जैसे ही एंट्री कर दी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया तो उन लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मुझे सब आता है, तो ये भूल नहीं करनी है। लोगों का सबसे बड़ा भूल यही होता है कि भाई
एक टाइम में 10 प्रॉफिट 10 पीपी का 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया, कल भी मान लो कर लिया, परसों भी कर लिया, दो तीन दिन कंटिन्यू, तो ग्रीड आ जाता है और अपने अपने हिसाब से वो ट्रेड लगने लग जाते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट जो है वॉश आउट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेडिंग करेंगे ना, तो ट्रेडिंग लर्निंग पर्पज से आप आइए, नॉट फॉर इनकम, फिलहाल टेम्पररी इनकम पर्पज से, कि आपकी बहुत बड़ी इनकम महीने भर में हो जाएगी, उस पर्पज से नहीं आना। आपको एकेडमी में सीखने के हिसाब से आना है कि आप पहले मान लो रियल अकाउंट में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऐसे समझो कि आप डेमो में कर रहे हो, लेकिन आपने छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, जैसे कि एक टिपी है, एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, इससे आपको महीने भर बाद आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा, आपको रोड मैप मिल जाएगा कि अभी मुझे कौन से टाइम में मार्केट में एंट्री करनी है, उस ग्राफ को कैसे देखना है, उस इंडिकेटर को कैसे देखना है और एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है। तो होप मेरे पॉइंट्स जो है शायद आप लोगों को ध्यान में आए होंगे। यस सर, क्लियर सर आपके पॉइंट आ गए सर, और डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे 100% सर। सबका जवाब देना चाहूंगा, थैंक यू सर, जबरदस्त आपने टेक्निकल तरीके से बताया। और हमारे डॉक्टर के मीटिंग्स में जितने भी इंडिकेटर के बारे में हम बताते हैं, इसके रिकॉर्डिंग हो चुकी है और आने वाले वक्त में बूमजैक वेबसाइट के ऊपर वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। हर इंडिकेटर का मतलब स्टार्ट और एंड कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा, और AI से कुछ वीडियो बना रहे हैं जिसके माध्यम से इंडिकेटर का एंट्री एग्जिट टारगेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको उस चैनल के अंदर मिल जाएंगी आने वाले वक्त। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस तो दोस्तों, आज का जो ये ट्रेनिंग मीटिंग था, हमने कोशिश किया हर एक पॉइंट को कवर करने का, हर एक चीज को कवर करने का, आप लोगों से बात करने का और आप लोगों के पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करने का। और एक सेकंड, आशिफ सर का हैंड रेस हो रहा है। यस, वेलकम आशिफ सर। हाँ जी सर, मैंने अभी सुनील सर को एक स्क्रीनशॉट भेजा हूँ जिसमें यासिन सर ने बताया था यहाँ से ब्रेक होकर जाएगा, तो दो पॉइंट का स्क्रीनशॉट मैं निकाल कर दिया हूँ सुनील सर को, प्रॉफिट का। जी 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 जी, तो वही मैं पूछ रहा था सर कि काम करता है या नहीं करता है, ये आपको मैंने पूछा था। नहीं, वो आपने क्या सब वर्ती बता रहे, पूछ रहे थे ना, फिर लाइव मार्केट में ट्रेड लेकर बताइए। जी जी जी, देखिए आपने प्रैक्टिकल किया सर, यहाँ पे तो हम लोग बहुत लोगों को बोलते हैं, अभी ऐसा तो नहीं कि आपको बोले कि नहीं आप लगाओ, आप ट्रेड लगाओ, आप ट्रेड लगाओ, हम लोग ऐसा आपको बोलेंगे कि आप ट्रेड लगाओ, जब सामने देख रहे हैं यशिन सर, जब आपको दिखा रहे हैं सामने मार्केट दिखा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, तो हमें भी आगे अपना भी एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशिफ सर, थैंक यू, थैंक यू आशिफ सर। तो दोस्तों, हमारा जो ये आज जो मीटिंग लेने का जो टारगेट था, आप लोगों तक पहुंचना, आप लोगों के जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी सवाल है, जो भी उसको क्लियर करना, आपके मन में जो भी शंका है उसको क्लियर करना, ये हमारा आज का ट्रेनिंग का उद्देश्य था। और आने वाला जो हमारा, हमने जैसा बताया आपको कि 20 लोगों को हमें 40 लाख रुपए के लेके बैठना है, जो भी इच्छुक है प्लीज आप जल्दी से जल्दी आज रात से या कल तक आप अपने अपलाइन के माध्यम से आपका KYC करें और 40 लाख के इसमें आप एडमिशन लेके रेस में आ जाए। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको समझने के लिए कि देखो, हमें 30 ट्रेड कंप्लीट करना है, पर ट्रेड लेना है 2 पॉइंट, टोटल करना है 60 पॉइंट। ओके, तो एकेडमी ने ये सोचा है कि अगर आप लोग एकेडमी अकाउंट क्रिएट करते हो और एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हो, तो एकेडमी के अकाउंट में एक एक पॉइंट जनरेट करो, पर्सनल अकाउंट में एक एक पॉइंट जनरेट करो,
तो भी हम 30 क्रेडिट मिलकर हम कंप्लीट करेंगे। जो एकेडमी अकाउंट में जो फंड आने वाला है उसका डिवाइडेशन मैंने पीडीएफ में डाला है, किसको कितना मिलने वाला है। जो डिपॉजिट अमाउंट अपलोड कर रहे हैं उसका डिपॉजिट बोनस सबको मिलने वाला है और 50,000 रुपीज मिलने वाला है 30 डेट कम्प्लीट करने के। इसके बाद आपको फॉरेन टूर, इसके बाद 3 लाख रुपए गिफ्ट और प्लस 3 लाख रुपए आपके केवाईसी अकाउंट में लोड किया जाता है। नेक्स्ट 30 डेट भी हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। आने वाला इनकम है $5,20,000। ओके, तो 30 ट्रेड मारने के लिए मेरी मंशा है कि आप सभी लोगों ने शुरुआत की है हमारे साथ और करोड़पति के सपने आज तक हमने देखे वो पूरा करेंगे हम साथ में मिलके, क्योंकि मैं खुद $1,000 लोड करके $5,20,000 का 30 ट्रेड का मैं करने जा रहा हूँ। तो मेरी चाहत है कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, एकेडमी अकाउंट क्रिएट करें और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, सीनियर से कांटेक्ट करें, साथ में बैठ के हम लोग ट्रेड मारते हैं। पहले 30 ट्रेड एकेडमी के लिए मारते हैं, अगले 30 ट्रेड के लिए मारते हैं और सेटल होते हैं। यस, तो यशिन सर का जो बोल, यशिन सर ने जो बताया, हमने जो बताया, आप सभी लोगों के समझ में आया होगा, सभी लोगों तक ये बात पहुंची है और समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने जीवन गवाया है छोटे छोटे सपनों को हम लोगों ने पूरा करने के लिए, यहाँ पे मौका है साथ में मिलके कुछ करने का, तो आइए साथ में मिलके करते हैं और एक क्रांति करके दिखा देते हैं मार्केट में। तो समय काफी हो गया है, हमने हर एक पॉइंट को कवर करने का कोशिश किया है, जो भी रहेगा हम लोग मीटिंग में, आने वाली जो मीटिंग है फ्राइडे की मीटिंग में, हम लोग उसको क्लियर करेंगे और कोशिश रहेगा हमारा कि जिस तरह से जितना जितना लोग आते रहेगा एकेडमी में, जैसा जैसा क्राउड बढ़ते रहेगा वैसा वैसा हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे उनको, ट्रेनिंग के माध्यम से, हम लोग मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। और आने वाले टाइम में हमारा जो है, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ट्रेनिंग होता है हॉल लेके, वो भी हमारा कोशिश रहेगा, मगर उसके लिए भी समय है। मिलके भी हम लोग बहुत सारी चीजें बता के आपको साथ में लेके चलना चाहते हैं। शुरुआत है जस्ट, मैं बोलता हूँ ये जस्ट अभी शुरुआत है, मौका है, तो इसका फायदा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आज के ट्रेनिंग में आए, सीखे, समझे और जो भी डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, जो भी सीखे हम लोग बहुत अच्छा सीखे। इसी के साथ में मैं इस ट्रेनिंग को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ और अपनी वाणी को मैं यहाँ पे विराम देके सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी लोग आने वाले टाइम में करोड़पति बने, सभी लोगों के सपने पूरे हो और हमारे साथ में जुड़े रहे। इसी के साथ में मैं इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ और शुभ रात्रि, गुड नाइट दोस्तों।